गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमें डिस्कस करिए OSSE जूनियर असिस्टेंट एंड पीओ मॉक टेस्ट टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रे जितिको क्वेश्चंस आसतला। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देची, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर इज 11, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 द रिमाइंडर इज 9। ता माने सी कहूँ गोटे नंबर अच्छे मो पाखे किसी भी से नंबर अच्छे से नंबर विषय मुझे जानी जितेबाला से नंबर टाक 13 डिवाइड कर रिमाइंडर के 11 आज जितने से ही सेम नंबर को डिवाइड कर 17 रिमाइंडर के 9। व्हाट इज द नंबर? ता से नंबर टाइम के दुटा मेथड अच्छी एक्स नहीं कर आराम से एक्स आज्यूम करवा डिवाइडेड बाय 13 करवा 7 आसव छोटे गोटे फर्मुला था ना डिवाइजर डिविडेंट कोशेंट तले जो आस रिमाइंडर ताको इक्वेट करें फर्माट करके। बट ये मो पाखे भल जिन कौन ना ऑप्शन चार्टा जाक अच्छे जेहेतु ऑप्शन चारिटा जाक अच्छी मुझे डायरेक्ट ये ए फर्मुला को न पकईकि। फॉर एग्जांपल मोर फर्स्ट ऑप्शन अच्छे 339 जदि मुझे 13 डिवाइड करी मोर 11 रिमाइंडर आसो कि चेक कर दि 13 to 26। ओके 13 to 26 है एपटू 13 सेपट 139 मल्टीपल ना हेनी। सेकेंड के 349 जदि 349 को करी 13 to 26 है 34 मैंने एपटू 4 सेपट 4 89 36 78 78 to 88 आउ 89 ता मैंने 11 अच्छे जोटा कि अवेलेबल अच्छे। अब मैंने खाली चेक करने कौन करी ना 349 को आउ थे डिवाइड कर दिए 17 सागर 17 to 34 0 रिमाइंडर के 9 आउ 9 अच्छी तो मैंने मोर आंसर के 349। तो मैंने ये ऑप्शन्स रु डायरेक्ट तुम चेक कर पार्थ रादर दैन गोईंग टू आमर डिविजर आउ क्वेश्चन वाला मेथड रे। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए? हाँ, यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम्स आसी से देखिए कि ए नंबर व्वेन डिवाइडेड नंबर सिस्टम रो क्वेश्चन। ओके, ए नंबर व्वेन डिवाइडेड बाय 3 कंजिक्यूटिव नंबर गोटे नंबर अच्छे पर्टिकुलरली से नंबर धरने किसी भी सपोज एक्स कि सपोज पी धरने गोटे नंबर अच्छे पी जिते से नंबर टाक तुम डिवाइड कल कौन 9 11 आउ 13 जिते तुम जाक 9 डिवाइड करुच 11 ने डिवाइड कर 13 ने डिवाइड कर रिमाइंडर के 8 9 8 रेस्पेक्टिवली कंजिक्यूटिव मैंने बुझीपार मु 9 ने डिवाइड कली तो पिलाने मोर जो 9 ने डिवाइड करी एटी कि वैल्यू आसो हेलो। अरे फॉर एग्जांपल मु 24 को 7 रे डिवाइड करी तो कैसे आसो 7 3 21 रिमाइंडर के 3 आसला रिमाइंडर आउ के बचीगला 3 तेने यनिटा मोर कौन क्वेश्चन ये तीन टाइम मोर कौन रिमाइंडर ताक मुझे पुणी थे डिवाइड करी। फॉर एग्जांपल 2 रे के 2 1 2 रिमाइंडर के बचला 1 सिमिलरली सी ये गोटे संख्या अच्छे आम कंटिन्यूअसली डिवाइड करा कौन 7 ने 11 आउ 13 तमें यहाँ कौन डिवाइड हे 11 ने आउ गोटे संख्या अच्छे यहाँ कौन डिवाइड हे 13 ता मैंने जो रिमाइंडर देते कौन कौन रिमाइंडर देते सर आंकर जो रिमाइंडर अच्छे फास्ट जो डिवाइड हो रिमाइंडर के 8 सेकंड जो डिवाइड आसो रिमाइंडर 9 और थर्ड जो डिवाइड हो रिमाइंडर आसो के रिमाइंडर आसो 8 दे दीचे ना 8 9 8 एवं से मत पचारि जदि है जदि मुझे संख्या को पाईली एवं मत तुम कह इफ द ऑर्डर ऑफ डिविजर इज रिवर्स्ड माने जो ऑर्डर अच्छे ना डिविजर ये डिविजर्स गुड़ा ऑर्डर को रिवर्स कर देली माने 13 को आगो डिवाइड करी 11 डिवाइड करी 9 डिवाइड करी रिमाइंडर्स के चार जाक ऑप्शन से देखिए रिमाइंडर ता मैंने मोर फास्ट काम हो कौन ना मत गोटे एमतीया नंबर बाहर करार अच्छे जोटार वैल्यू मुझे जानी मैंने पी रैल्यू मुझे जानी जी मतलब मुझे पी रैल्यू जानी मुझे आराम से डिवाइड कर दे पारि। अच्छा एवं मत गोटे कथ कह एटी ओकेजनाली वन अच्छी ना नहीं कहीं ना ये तो सांगे डिवाइड होकर 8 रिमाइंडर देने मत पी धरने यहाँ क्यू आउ एटा आर मत तीन जन वैल्यू बाहर करमी बाहर करी। अच्छा सपोज कर मत ये 24 वैल्यू बाहर करमी बाहर करी फास्ट मुझे कौन करी 2 into 1 2 + 1 इट गिवस 3। अरे मो कथा बुझीप ना नहीं 2 into 1 2 यहीटा को आगे मिसेदेवी 3 आसीगला एवं 24 बाहर करने कौन कर 7 into 3 21 + 3 के 24 ता मैंने इटी भी सर से कम करी 13 into 1 13 + 8 ताल के 21 सर मुझे जाणीगली आर रैल्यूटा के 21 एवं मत क्यू रैल्यू केमती मिल सर सिंपल स्टेप 11 into 21 कले के 1 3 2 एंड तांगे सर प्लस हो 9 ता मैंने आ सागर 9 मिसीगले के 240 ता मैंने सर क्यू रैल्यू के 240 एवं सर पी रैल्यू केमती पाइबी सेम सिंपल स्टेप 24 को 9 ने मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 80 कर दिए 4 9 36 4 2 18 9 2 18 एंड 21
आईटा एथे मिसई दि 2168 एबे क्वेश्चन रो तमरो जहा फॉर्मेट सेट हे गला ता माने तमे पाई गलो पी रो वैल्यूटा केते 2168 आकु एबे तमे डिवाइड करिवो कोथरे डिवाइजर को उल्टे गिरी ता माने आगो डिवाइड करिवो 13 ता परे 11 ता परे 9 डिवाइड कर 13 एपोटर पहुंची गला 7 सेपोटर 86 13 6 78 माने एपोटर तमर जीव केते 2 एंड सेपोटर छ 6 8 तो 88 गला 13 6 78 ता माने पहुंची लगे केते 10 एबे तमे चेक कर फर्स्ट 10 कोठी अछि एठी नहीं एठी नहीं एठी अछि आउट एठी अछि एबे मते दीटा भीतर चेक करियर अछि सेकंड कोन अछि 11 11 1 11 16 11 गले 5 और 6 11 5 55 आ पहुंची लगे केते 1 ता माने मते चेक करियर अछि 1 कोठी एठी नहीं 1 एठी अछि बुझी पार्ल ता माने सर मते फास्ट पी रो वैल्यू बाहर करियर अछि पी रो वैल्यू केटी पकी के डिविजर को उल्टे दबार अछि क्लियर डन नेक्स्ट देची लेट एन बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305 4665 एंड 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस तीनटा नंबर मो पखरे दिछि हेलो फर्स्ट नंबर कोन दिछि 1305 सेकेंड नंबर कौन दे 4665 एंड थर्ड नंबर कौन दे 6905 ये तीनटा जाक को जिते बड़े डिवाइड करागला मानते जो संख्यार डिवाइड कर संख्याटा जो डिवाइड कराला रिमाइंडर तीन टाक केस सेम आसला ओके कही कि देन सम ऑफ द डिजिट्स इन एन ताल एन रितक जाक डिजिट अच्छे मिसाइले के वैल्यू आसो क्लियर है इन सब जाक वैल्यू को मतलब मिसेक फाइंड आउट करार अच्छे आर सिंपल स्टेप हूँ आग कौन कर ना दु जन डिफरेन्स को बाहर कर ये दुज डिफरेन्स के 0 6 3 3 ये दुजन डिफरेन्स बाहर कर 0 10 रु 6 माइनस 4 8 रु 6 माइनस कले 2 एंड 6 रु 4 माइनस कले 2 तो मैंने तुम पाखे दुईटा वैल्यू अच्छी 3360 2240 एबे मते तमे कुह एमिती ए जो दीटा जाक संख्या अछि को थरे कटे माने दी जन जाक संख्या एच सी एफ केते सिंपल जणा पड़ जे सर देखिले आकु आकु जदि मु 1120 रखिबी 2 रे मल्टीप्लाई कले एटा रे हबो 1120 रे 3 मल्टीप्लाई कले एटा हबो ता माने से संख्याटी होउ जे केते 1120 1120 को जदि तमे मिसै दबो तले केते आसी वैल्यू 4 एंड से क्वेश्चन रे तुमको पचार छि केते हबो अच्छा एठी कथा आसला कि सर आप माइनस कहीं करुँच अच्छा सिंपल आम गोटे काम करवा धरने मो पाखे तीन टा डिफरेंट डिफरेंट नंबर अच्छे सपोज कर तीन टा नंबर अच्छे गोटे अच्छी 8 गोटे अच्छी 24 गोटे अच्छी 45 ने 48 धर ओके 48 अच्छे 42 43 सपोज कर तीन टा नंबर अच्छे गोटे अच्छे 8 आ गोटे अच्छे 23 आ गोटे अच्छे 44 अच्छा मुझे जानी तीन टा जाक नंबर कौन डिवाइड हे 3 रे डिवाइड हे जिते बड़ी 3 रे डिवाइड हे आर रिमाइंडर के 2 आर रिमाइंडर के 2 आर रिमाइंडर के 2 कहीं 42 होगा तो 2 रिमाइंडर रहा एवं मत गोटे जिनस को एथेर मुझे एच सी एफ भी जानी कि तीन डिवाइड हे एथेर मुझे जानी तीन जन रिमाइंडर भी सेम हम एथर मुझे जानी तीन टाक नंबर भी कितु मुझे जानी कौन ना सर मुझे जानी आपको भितर डिफरेन्सटा के मत मुझे क्वेश्चन को उल्टा फर्माट्रे देखी तो 8 और 23 डिफरेन्स के 15 23 और 44 डिफरेन्स के 21 अच्छा एवं मतलब गोटे कथ 15 और 21 एच सी एफ के जदि देख 15 और 21 एच सी एफ के तो गोटे ही अच्छे से होते 3 तो जोटा कि 3 एब्सोल्युटली देछि सेम जिनस को मुझे कली मुझ कलना ये दुजन का डिफरेन्स काढ़ीदेली ये दुजन को भी डिफरेन्स काढ़ीदेली आ दुजन का डिफरेन्स देखिली एच सी एफ किए एच सी एफ हूँ 1120 तो मैंने 1120 को जो तुम 1305 डिवाइड कर जहाँ रिमाइंडर आसो एथर आउर सेम रिमाइंडर आसो तो मत से वैल्यू पचार कि से जो 1120 को मिसाइले सब जगह डिजिट्स को कैसे हम तो वैल्यू हूँ के 4 क्लीयर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को द सिंप्लीफिकेशन अफ बार सर 3 + 4 - 2 तमें के 2
पॉइंट 36 33 कहते हब 69 - 5 ता माने कहते हब 0.64 बार कोटी अछि टी सरला हां एथरे जदी डिजिट्स अलग अलग दे थान ताले इशू हे थान जबकि डिजिट्स पॉइंट पर समस्त ऊपर बाहर अछि तो किछ क्षेत्र भाबीबार नहि ओके इजी क्वेश्चन थला नेक्स्ट इने कंडीच द प्राइस ऑफ 10 चेयर इज इक्वल टू द दैट ऑफ 4 टेबल 10टा चेयर रो प्राइस 4टा टेबल रो प्राइस संगे समान आको सिंपलीफाई करो ता माने चेयर आउ टेबल को रेशियो केते अछि 2/5 यस कि नो आ काम इंडला को साइड करो द प्राइस ऑफ 15 चेयर एंड 2 टेबल इज टुगेदर 4000 टका जदी 5-15टा चेयर आउ 2टा टेबल रा प्राइस केते होउछि 4000 टका ताले से मते पचार छि कि 12टा चेयर आउ 3टा टेबल्स रा प्राइस केते होबो अच्छा गोटे चेयर रा प्राइस केते 2 तो 15टा चेयर रा प्राइस केते होबो 30 समथिंग 30 यूनिट्स धरिनि गोटे टेबल रा प्राइस 5 रुपीस 2टा टेबल रा प्राइस 10 इज इक्वल टू 4000 ता माने माको कहि परे 30 + 10 = 40 यूनिट्स आर यूनिट माने कोन ओटे रिप्रेजेंट करूची किछ ओटे वैल्यू को माने 40 यूनिट रा वैल्यू होची 4000 ता माने गोटे यूनिट रा वैल्यू केते 100 तमे ताको एक्स भी नै परबो किछ इशू नै ओके तो जदी गोटे यूनिट रा वैल्यू 100 होची मते क्वेश्चन ने कोन पछै छै ना 12 चेयर गोटे चेयर रा वैल्यू 2 12 चेयर रा वैल्यू केते 24 गोटे टेबल रा वैल्यू केते सर 5 तीनटा टेबल रा वैल्यू केते 15 आउ सर मु भलो भाबरे जानछि ई दिटा भी तो यूनिट हेबे ना 24 रे 15 ऐड करले केते हबो 39 यूनिट मते क्वेश्चन ने पछै छै कि प्राइस केते हबो मोर गोटे यूनिट रा वैल्यू जदी 100 हला तो 39 यूनिट रा वैल्यू केते हबो 39 यूनिट रा वैल्यू केते हबो गोटे यूनिट रा वैल्यू जदी 100 हला तो 39 यूनिट रा वैल्यू केते हबो 3900 क्लियर डन जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ एटा भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन इफ द 9 डिजिट नंबर 8175 एटा एक्स अच्छे ओके 8175x45y2 इज डिविजिबल बाय 72 जदि 8175x45y2 जदि 72 रे डिवाइड हैला ताहले मते कुह 4x + y रा वैल्यू केते हबो कंडीशन दीजिए द वैल्यू ऑफ वाई इज लार्जेस्ट आम जो वाई रैल्यूटा नवा से लार्जेस्ट वैल्यू हबार अच्छे अच्छा मत गोटे कथ कह 72 रे डिवाइड हो माने से संख्याटा 8 रे भी डिवाइड हो 9 रे भी डिवाइड हो कथा तो सही ना कहीं ना 8 रे जो संख्या डिवाइड हो जो संख्या 9 रे डिवाइड हो संख्याटा ही तो 72 रे डिवाइड हो बिकज 72 मीनस कौन 8 × 9 क्लियर एबे मोर फास्ट काम होची 8 रे डिवाइड करिया तो 8 रे केमिति डिवाइड हबो गोटे संख्या रो 8 रो डिविजिबिलिटी होची तार लास्ट 3 टा जको डिजिट 8 रे डिवाइड होवार अछि आ ए क्वेश्चन ने मु जदि देखिबी ए क्वेश्चन रो लास्ट 3 टा डिजिट केते अछि 5y2 अरे हां कि ना ता माने मते सर एबे y रो किछ ना किछ वैल्यू नबार अछि सर y रो वैल्यू 1 हि पारे सर y रो वैल्यू 1 हेले केते 512 ये सर 8 रे डिवाइड ही परे हाँ कि ना किंतु मते एटी देछि वाई रो लार्जेस्ट वैल्यू तो आउ कोन वैल्यू हो सर जदि 512 होची ता परे 8 भी ही परिबो ता माने वाई रो वैल्यू जदि मु 9 भी नेबी ताहले भी कंडीशन सटिस्फाई कर जिवो हाँ कि ना ता माने मु जानि गेली वाई रो वैल्यू केते हे गला 9 अब मु एठी कोन करबी जो वाई अछि आ को मु 9 कर दे माने जो हमर 1 8 1 7 5 4 5 9 2 हे गला अच्छा तापर देखिए मोर 8 रो मल्टीपल हो गला अबे 9 नो मल्टीपल के हबो सर 9 नो मल्टीपल सी हबो जतल सब नंबर को अपन सब डिजिट्स को मिसे देबे सी भी ताको मिसेले भी 9 हबो फॉर एग्जांपल 9 नो मल्टीपल होची 81 8 रे 1 मिसेले 9 होई कि 72 7 रे 2 मिसेले 9 होई कि 36 3 रे 6 मिसेले 9 होई कि 9 रो मल्टीपल से डिजिट नंबर हबो जदी तमे तार दीटा जको डिजिट्स मिसे गिरी 9 आस्तुबो एबे जदी हम आकू देखिबा 8 रे 1 मिसि गला 9 7 रे 2 मिसि गला 9 5 रे 4 मिसि गला 9 सर 9 भी पळेला आउ केते रह गला 4 हां कि ना ता माने मु जानि गली x रो वैल्यू केते 4 आ 4 × 4 16 तो मते पचार छी कोन 16 + 9 नो रूट 16 नो रूट होची 4 हला आउ 9 नो रूट होची 3 कोन भूल करली सॉरी समथिंग 16 प्लस 9 अछि दीटा मिसि दी 16 प्लस 9 केते 25 और 25 पर रूट केते 5 क्लियर तो 16 और 9 को मिसले केते हबो 25 और 25 पर रूट ओवर केते असला 5
ओवर ता माने सर मते आगो अलगा अलगा करके इंटीग्रेट करके वैल्यूज को काढ़ एट्र वैल्यूज थे काढ़ नाइन रैल्यूज थे काढ़ी एक्स वाई पाइल हो अच्छा जब ये एक्स रैल्यू लार्जेस्ट दे न था तेल मोर वन भी आंसर आसता टू भी आंसर आसता से बेले बेले स्मलेट भी देपे तो ये जिनस को नोट कर नेक्स्ट कौन देखिए सुनीता वाज आज टू मल्टीप्लाय सर्टन नंबर बाय 36 गोटे नंबर को मल्टीप्लाई करियर था 36 से किंतु से बाय मिस्टेकली ताको मल्टीप्लाई कर दीजिए कौथे 63 रे जहाँ जुगुरु तार आंसर जो 3834 अधिक आ भाई मल्टीप्लाई कौथे करियर था 36 से मल्टीप्लाई कौथे कर 63 ता माने मु कहि परिबी कि से नंबरटा होउची इक्वेशन अनुसार गले 3834 सर केमती जानले अरे भाई से संख्याटा धन्य के ताको मल्टीप्लाई को उधर करियर थला 36 रे किंतु से संख्या टाको मल्टीप्लाई को उधर करला 63 रे जहाँ जो गुरु आंसर इतनी अधिक आसले आसी बनी की मु एबे गोटे संख्या को 8 रे मल्टीप्लाई करिया था मुझे 10 मल्टीप्लाई कर दी तो ओब्वियसली तार डिफरेंस तो किसी दबना डिफरेन्स अधिक ही आसो तो डिफरेन्स अधिक आ मुझे करनी 63 के को 36 के माइनस कर दीजिए 63 36 कमन कौन अच्छे 9 कमन अच्छे तो 9 बाहर को नहीं गले के रही 7 के आउ 4 के 9 टाक सेपट को नहीं जाओ अच्छा 9 जब मुझे कमन नहीं करी डिवाइड कर देबी तो चलो ना 9 4 36 9 2 18 9 6 54 7 रु 4 माइनस कले के 3 के इज इक्वल टू 4 2 6 सिंप्लीफाई कले के रो वैल्यू के 142 जोटा कि ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट क्वेश्चन था ये किसी भाविहार नहीं था क्लियर मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 एटा बढ़िया क्वेश्चन ओके ये 2019 जूनियर असिस्टेंट ना 2017 जूनियर असिस्टेंट आसाला ओके आरएस अग्रवाल भी क्वेश्चन अच्छे ए टीन ऑफ ऑयल वाज 5/8 फुल गोटे टीन रे ऑयल केते फुल अच्छे धरनी टीन रो कैपेसिटी होची 8 लीटर से थर ऑयल केते अच्छे 5 लीटर ता माने तो सेया ना से सेया ही कहिची 5/8 फुल कौन है ना से पिला 10 बोटल से टीन रु कौन बाहर कला ऑयल बाहर कला ता पाखे गोटे बोटल थिले से बोटल से 10 बोटल ऑयल बाहर कला केतटा बोटल बाहर कला 10टा बोटल एंड सर से कौन कला ना 8 बोटल ऑयल पूरे भी देला से थरे 8 बोटल ऑयल पूरे देला तमन तमन डिफरेंस केतटा बोटल अछि 2टा बोटल ध्यान देखि सुनो डिफरेंस केतटा बोटल अछि 2टा बोटल एबे से कहिछि ऑयल वाज 42 इट वाज 3/5 फुल जेतले ए जो एक्शन टी से कला ता पाखे जो फ्रैक्शन टा 5/8 थिला 10 बोतल ऑयल नहीं गला 2 बोतल ऑयल माने 8 लीटर ऑयल 8 बोतल ऑयल को एंट्री कला ता फ्रैक्शन टा केते गला 3/5 हाउ मेनी बोटल्स ऑफ ऑयल कैन द टिन कंटेन ता माने से टिन रे केते लीटर बोतल माने केतेटा बोतल कंटेन करि परिवो अच्छा मते फर्स्ट गोटे कथा कहो जेते बळे भी फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन थाय हमर मेन प्रॉब्लम के करे डिनोमिनेटर रीजन कौन ना सर रीजन डिनोमिनेटर अलग अलग थाए तुम फास्ट गोटे काम कर डिनोमिनेटर दुटा को सामान कर सर डिनोमिनेटर सामान केमती हम सिंपल एथर मल्टीप्लाई 5 कर एथर मल्टीप्लाई 8 कर ता माने मु कहि परिबे कि 40 25 40 24 अरे हाँ कि ना माने सर मो पाखे 40 लीटर थिला माने टांकी रो कैपेसिटी 25 लीटर से ऑयल थिला ओके सर मु कौन कली ना 10 बोटल ऑयल नीचे 10 लीटर नहीं 10टा बोटल मैंने मोबाइल किसी गोटे कंटेनर बोटल देने से बोटल में 10टा बोटल बाहर करने ली आ सर से 8टा बोटल भी मिसेली तापर 25टा मो पाखे केते गला 24 अरे भाई एटा कैपेसिटी 40 को 40 एज इट इज रहइबो 25टा मो पाखे 24 हे गला ता माने मो अनुसार केते शॉर्टेज देखौची सर 1 शॉर्टेज देखौची किंतु क्वेश्चन अनुसार देखिले जदि तमे 10टा बोतल बाहर करिचो 8टा बोतल मो से जे ता माने शॉर्टेज केते देखिया कथा 2 ता माने 1टा 2 केते बळे हबो जेते बळे सर आपण 82 आ 82 गुण देबे मो कहली केते हबो ना सर ये 50 हे जीवो ये 48 हे जीवो एबे डिफरेंस देखैला 2 रना हो सर किंतु सर सैटिस्फाई हेनी कहना जब आप न्यूमरेटर 2 गुण चाहे तो डिनोमिनेटर भी तो 2 गुणत दुजन डिनोमिनेटर के 80 तमें से टैंक कैपेसिटी केतटा बोटल रहा 80 बोटल रहा बुझीपार मुझ बहुत सारा स्टेप्स बुझाई करू आर किसी नेसेसीटी ना सिंपल जिनस देख 8/5 40 ओके 8/5 40 है मानने सर 5 थिला 3 है सर 25 थिला 24 है केते कमिला 1 कमी 40 रे 1 कमुची आमर 2 कमियार अच्छे तमें 80 रे 2 कमियो एंड होगा जे बुझी जाइए तापाई जे न बुझी जाए डिटेलिंग में देखा पड़ो क्लीयर एक्स नहीं करार किसी आवश्यक नहीं मन रखी था केवे भी क्वेश्चन जब फ्राक्शन अच्छे अलवेज यूज एलसीएम मुझे करी कौन 8/5 एलसीएम ही तो नहीं मोटामोटी
अरे दु जन को सेम कर मैंने कौन एलसीएम ही तो नहीं मैंने केवे भी क्वेश्चन फ्रैक्शन अच्छे ना एलसीएम नहीं डिनोमिनेटर को ही उड़े दियो डिनोमिनेटर रही है से तुमको प्रोब्लेम कर तो डिनोमिनेटर को ही कैनसल आउट कर दियो क्लीयर जी आगे क्वेश्चन नंबर 10, 10, 9, 9 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 400 to 700 ताले 400 to 700 भितर एमती केतटा नंबर अच्छे जो थे 6 दिथर अच्छे प्रथम कथा है 400 दिथर 6 थी 66 गोटे 500 66 गोटे सेमी तो छ बहुत अच्छे कि 466 6 दिथर अच्छे 566 6 दिथर अच्छे मैंने दुईटा होगा 6 एवं आसला 600 सीरीज 600 सीरीज रे प्रॉब्लम कौन ना सर 600 भी अच्छे 600 रे भी अच्छे 626 रे भी अच्छे 636 रे अच्छे एमती सर के 10 थे अरे हाँ कि ना अरे ये कि नु 606 616 626 636 एमती सब थे कि सर गोटे प्रोब्लेम अच्छे कौन जानते ना 666 भी अच्छे ताको हमें कंसीडर करियन कहीं ना से दिच ऑकर्स एक्जैक्टली ट्वाइस माने हमें एटा को नबानी ता माने जो हमें 10टा गुणुथले सेटा 10टा बदल रे केतटा हिजो 9टा हिजो अरे हां कि ना तो 10टा बदल सेटा केते हिजो 9टा हिजो आ छोडा भी केते ओडे सीरीज अछि जेमिति कि एटा हमें को सीरीज रे गले 600 सबु थर यूनिट डिजिट रे 6 अछि स्टार्टिंग डिजिट रे 6 अछि एमिति भी तो संख्या थिबो जो थरे दीटा डिजिट लागी लागी थिबो जेमिति कि 660 छ दीटा अछि 661 662 663 663 हेलो अच्छा एबे तुम्हें मते कमेंट करिवो 1 रु 100 भितर मते कहिलो 9 केते थोर रिपीट हेछि 9 केते थोर रिपीट हेछि ओके तमर आंसर मते आंसर कमेंट करिक जणेबो 1 रु 100 भितर 9 टा केते थोर रिपीट हेछि ओके सर ट्वाइस हो कि वन टाइम हो 9 टा केते थोर हमें 9 लेटर को 9 नंबर को हमें रिपीट करिक लिखि परिबा क्लियर नेक्स्ट Did you when x is subtracted from each 19, 28, 55 and 55 and 91? Jodi ami am pake chapter number achi. Kon kon number achi? Na sir, gote number achi 19. Gote number achi 28. Out number achi 55. Out number achi 91. Ye charita janko number re ami emti kon number ta subtract kariba. Tahale ye charita janko number proportion ne pade. Ase proportion mane ei dita number jo ratio re chanti ei dita number bi sei ratio re thibe. Okay. Au ye CGL le repeatedly asuchi. Hala. To sir ar process hochi simple kichhi nahi emti likhi daba ago dekhi daba ako difference kete achi. Difference achi no. Ako di jon difference kete achi na sir ako difference achi 36. अच्छा ये जो 9 और 36 कितने रेशियो रे छन सर 1:4 एबे किछि करनी 19 को 4 रे मल्टीप्लाई कर 76 55 को 1 रे मल्टीप्लाई कर 55 एंड डिवाइडेड बाय 4 और 1 रो डिफरेंस कितने अछि 3 ता माने 21 डिवाइडेड बाय 3 दैट इक्वल्स टू 7 तो तुम आंसर कितने से गलो 7 किंतु देख तुम चाहिले इटी ऑप्शंस रो गोटे गोटे नेकी करि परिबो 19 नु 8 माइनस करिबो 28 रो 8 माइनस करिबो रेशियो चिक चिक करिके जाई परिबो फॉर एग्जांपल ए 7 रा इठी न देकि इठी दे देथा ना तो चारिटा ऑप्शन टाइम जीवो ना आउ सीजीएल कोन करछ जानछ ना सीजीएल डायरेक्ट एक्स रो वैल्यू पचेरनि से पचेउ जे से जो वैल्यूटा एक्स अछि ता वैल्यूटा पचेर दउछि 2x + 5 आउ इठी तुम ऑप्शंस पकेइ परिबोनि काहे कि तमर जो वैल्यूटा थिबो फॉर एग्जांपल एक्स रो वैल्यू इठी केते असला 7 ता माने 7 * 2 14 + 5 19 ता माने तमर जो ऑप्शंस थिबो 19 20 24 एमती कि थिबो ता माने तमे आगो आकु सॉल्व करिकि एक्स रो वैल्यू गुटे बाहर करिबो ताकु पकेउ भाबुछो केते टाइम लागिबो बुझि परछो तो से करनी केमती मुझे आउ थे कहीदे ये दिजन डिफरेन्स को इटी लिखिदेली ओके ये दिजन डिफरेन्स को इटी लिखिदेली आपको रेसीोटा पलि आसा 1:4 मुझे कौन कल ना आसाए मल्टीप्लाई करी आपको आसाए मल्टीप्लाई करी मुझे अलरेडी क्लास में बतई देती है तो लिखिदेली इटी एवं डिवाइड कौन कल ना ये दिजन डिफरेन्स को 4 1 डिवाइड कले के 3 तो आंसर के 7 क्लीयर है जी आगे ओके क्वेश्चन कौन दे ना सर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 9:10 सर ए आउ बी रो वर्तमान जो बयसर रेशियो अच्छे 9:10 प्रेजेंट एज तुम जीरो लिखिदे
सर आज आठ वर्ष पर रेसीो के 11:12 तो ए आउ बी र आठ वर्ष पर रेसीो के 11:12 से पचार व्हाट विल बी द सम ऑफ द एजेस आफ्टर थ्री इयर ता माने तीन वर्ष पर एज र सम के अच्छा तीन वर्ष पुणी कौटू आज मैंने से तुमको क्वेश्चन ने कौन पचार जान तीन वर्ष पर एज या अच्छा मत गोटे कथ को तुम ये चाहिए एक्स नहीं करपर मुझे मना करनी आपको दुई जन डिफरेन्स अच्छे टू यूनिट इक्वाल्स टू 8 ईयर गोटे यूनिट 4 ईयर करपर कि इश्यू नहीं मुझे मोर प्रेजेंट एज के 9-10 ता माने मोर प्रेजेंट एज रेशियो जदि 19 अच्छी ए आउ बी मिसिकी ता माने एमाने जिते बड़े भी थे 19 न मल्टीपुल ही तो थी हाँ कि ना ता माने मते पचारी कि आज तीन वर्ष पर एज ता माने एटा भी हो पारे एज एटा भी हो पारे एटा भी हो पारे एटा भी हो पारे फॉर एग्जांपल मु तुमको बुझाइबा 84 को नेली हबो जदि 84 आज तीन वर्ष पर अच्छे तो मैंने आज के 84 6 कमी जीव बिकज ए पाई 3 कमी बी पाई 3 कमी ताले केते ला 78 78 19 मल्टीपल अच्छे कि नहीं बुझीपाल मुझे कौन कली माने मुझे अज्यूम कली 84 हूँ धरणीय एज जदि 84 एज अच्छी आज का डेट्रे एज ना आज तीन वर्ष पर सर कमी जान ली ना ता माने 3 वर्ष पर एज गुडा ही ऑप्शंस रे देछि तो जदी 84 आज रु 3 वर्ष पर थिला ता माने प्रेजेंट एज रे केते थिवो 6 कम थिवो ए पई 3 वर्ष कमी जीव बी पई 3 वर्ष कमी जीव ता माने 78 रो मल्टीपल रे अछि की 78 ता जो अछि सेटा 19 रो मल्टीपल रे अछि की नाही सेकंड ऑप्शन को जा सेकंड ऑप्शन केते अछि 82 रु सेम 6 माइनस हो जीव 82 रु 6 माइनस हले केते हला 76 एटा ऑप्शंस रे अछि आराम से अछि सर केते 19 4 76 तमें तुम आंसर कहते हो 82 आंसर कहते हो 82 क्लियर 76 हम नहीं 78 तो हम नहीं क्या 78 वर्तमान अच्छे इटू 6 कमी जीव मैंने 72 हो 19 मल्टीपल 72 ना 76 तो डायरेक्ट कटूँ है कमी हम हम क्लियर तुम्हें चाहिए आर मेथड भी करपर रेशियो वाला मेथड 2 यूनिट इक्वाल्स टू 8 ईयर गोटे यूनिट इक्वाल्स टू 4 ईयर आ 19 यूनिट इक्वाल्स टू 76 ईयर मुझे कहीं सीखे ना यहाँ गोटे भल आप्रोचटा अप्सनस रू कर आप्रोचटा हूँ गोटे बेस्ट आप्रोच एरर हमारे चान्सेस बहुत ही कम था बुझीपा तो से ट्राए कर अप्सनस रू करा है नुहे कि आम मेथड जानचे बोली करदे हाँ कौटे कन्फ्यूजन है देन ठीक अच्छे कितनी से कन्फ्यूजन बाला किसी ना ना तो आम आराम से अप्सनस रू कर पार्टनरशिप क्वेश्चन भल क्वेश्चन टा एत लंबा दबनी जूनियर आसीस्टाट रहा खाली जस्ट दे कौन ना टे हाई लेवल कर प्राक्ट थाओ एत लंबा दबनी आ क्वेश्चन भी बहुत लेंदीअर अच्छे दे कि तीन जन सांग अच्छा ए बी सी ए बी सी ओके जो कैपिटाल्स अच्छे रेसीो के रेसीोर अच्छे 1, 4 आ 4 सी कही एट दि एंड अफ एव्री 3 मंथ प्रत्येक तीन मस एंड रे ए कौन कर कैपिटाल को डबल कर प्रत्येक तीन मस डबल पुणी 6 मस डबल पुणी 9 मस डबल एमती कर डबल कर कौन कर प्रत्येक तीन मस कैपिटाल को हाफ कर जीक अच्छे धर 50 टाँग अच्छे 25 टाँग 12 rupees 50 paisa 6 rupees 25 paisa मैंने प्रत्येक तीन मस पैसा को हाफ कर पैसा को एज इट इज रखी सी लिवस हिज कैपिटाल अनचेंज्ड एट दि एंड अफ द इयर से प्रॉफिट कले के प्रॉफिट नहीं बी रेयर हूँ 45 लाख 4,50,000 तो बी रेयर हूँ 4,50,000 से पचार देन द टोटल प्रॉफिट के टोटल प्रॉफिटा के बाहर कर चल आरंभ करिए रेशियो दे 1,4,4 तो मुझे आपको टी सुविधा करने बिकज मुझे जानी कैलकुलेशन अच्छी अधा करा पड़ो कौट तुमको बढ़ाया पड़ो तो तुम कौन कर ना 10, 40, 40 नहीं जाओ तल सर बेनिफिट कौन हम धरण 10 rupees को कितने मस पाई लगेगा 3 मस पर पैसा कौन होगा डबल हो गला डबल मानी के 20 ताको कितने मस पाई 3 मस पर पैसा के 40 ताको कितने मस पाई 3 मस पर पुणी पैसा के 80 कितने मस पाई 3 मस एंड क्लियर एबे बी को आसने पैसा अधा करी करी आसी 40 3 मस 20 सी भी 3 मस 10 सी भी 3 मस 5 सी भी कते मस 3 मस आउ सर ये 40 को से टोटल चेंज करनी ता माने से 12 को 12 ही रहिला कहार किछ डाउट्स नाही सर कार किछ डाउट्स नाही एबे कोन करो ना फास्ट सब थ्रु 3 कैंसिल आउट करो सर जदी कैंसिल आउट करिया सब थ्रु कैंसिल आउट करिया ता माने एथ्रु भी 3 कैंसिल आउट हिजबो केते रहबो 4 नेक्स्ट जिंस कोन सर सब टू 0 काट दियो सर 0 नै तो 0.5 पके दियो
आपको जीरो काटिदे एवं मत कह हिसाब के आसान 1 2 4 8 8 प्लस 4 12 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 सर आर रेशियो केते हबो सर ये तुम्हारे कटी जाइए जीरो कटि जा तो 4 अच्छी 2 अच्छी 6 1 7 7.5 इज टू ये के 4 × 4 16 ताने तुम जो रेसीोटा अच्छे एति की अच्छे सर डिसेमल अच्छे अबागे लगे तो डिसेमल चेंज कर दिना सब थे 2 मल्टीप्लाई कर दि के आसक तो आसो ना एति की आसो ना नहीं ए क्वेश्चन कौन दी ना सर बी रेयर दे दीजिए बी रेयर के 45,000 ताने 15 वैल्यू जी 45 है तमें के इंटू कर 3 हाँ कि ना से पचार समस्त प्रॉफिट के 30 30 60 2 60 70 30 plus 30 62 72 77 आउ 77 केते मल्टीप्लाई करियो 3 73 21 2 73 21 23 तमने आंसर केते थी 23.1 बुझी पारलो मु सिंपलीफाई सिंपल कर छी आगो तीन कैंसिल आउट कर छी अच्छा देखो मु सबुथरो काही काटेली कहिना ये एडिशन रे अछि हला तो जदि मु कैंसिल आउट करिवे सबुथरो कैंसिल आउट करिवे एथि सबुथरे 3 एथरे सबुथरे 3 एथरे 3 नथिला तो 12 माने कोन कि 3 आ 4 ना तबे त जीरो कथा असला सबु जीरो काटली एठी सर पॉइंट कोन मेदली अरे 5 को 10 ने डिवाइड करले कोन होबो 0.5 होबो नी कि तार सर आपण एटु काय कन्वर्ट करले रीजन कोन ना एठी गोटे डेसिमल रे थिला आ डेसिमल रे रेशियो थिले टिके कन्फ्यूजन हुए तो मु त गोटे नॉर्मल नंबर को नै गली नॉर्मल नंबर पर तमे आराम से कर दबो 15 टा जदि 4,50,000 अछि ताहले समस्त वैल्यू के अरे भाई एथर के गुणीच तुम आ 4 0 पकई दियो ना तो ये भी 4 0 पकई दियो जीरो कहीं पकेब तो कन्फ्यूजन होबार ना हल तो 2.31 23.1 हाँ ये कौन देची ना सर गोटे एग्जामिनेशन रे आवरेज स्कोर ऑफ ए स्टूडेंट इज 67.6 माने किसी गोटे सब्जेक्ट रे से स्कोर कर 67.6 इफ ही स्कोर ही वुड हैव स्कोर 27 मोर मार्क इन मैथ मैथ रे जितने की स्कोर कर ची तातु 37 मार्क अधिक स्कोर कला और सर कौन है कंप्यूटर साइंस रे जितने की स्कोर कर ची 10 मार्क अधिक स्कोर कला हिस्ट्री जितने की स्कोर कर ची तातु 18 मार्क अधिक स्कोर कला ता माने से मोटा मोटी केते मार्क अधिक स्कोर कला 55 जितनी सर तार आगुर जितेबले सी मैथमेटिक्स कंप्यूटर आउ हिस्ट्री रे स्कोर करी नथला तार एवरेज तारा 67.6 एबे सर ये 55 मार्क अधिका स्कोर कलानी ता संगे कोन देछि एंड रिटेन द सेम मार्क इन अदर सब्जेक्ट माने बाकी जतिको सब्जेक्ट अछि बाकी दीटा थौ तीनटा थौ पाँचटा थौ जतिको सब्जेक्ट अछि सेतरा एज इट इज मार्क रखिछि क्वेश्चन पचार छि देन हिज एवरेज स्कोर वुड हैव बीन 72.6 ताहले एबे एवरेज स्कोर केते हि जाउछि 72.6 मत्ते क्वेश्चन पचारि ताहले मत्ते कुह केतेटा पेपर थिला अच्छा भाई आगुरु जेतिकटा पेपर थिला एबे सेतिकटा पेपर अछि ना ना पेपर रे किछि चेंजेस हिछ पेपर रे किछि चेंज हिनी आगुरु जदि 10टा पेपर थिला एबे भी 10टा पेपर अछि आगुरु जदि 12टा पेपर थिला एबे भी 12टा पेपर अछि चेंजेस कोन हिछि ना सर तारा मैथ कंप्यूटर साइंस और हिस्ट्री मार्क बढ़ी जाइए केते मार्क बढ़ी 55 मार्क बढ़ी एबे जदि हम को सॉल्व करिवा डिफरेंस केते प्लस 6 67 प्लस 5 हम ओके आपटे डिफरेन्स के जीरो तुम भलसे शिखीच यूनिक मेथड रे तो के इंटू 5 5 के आपको आसाने मल्टीप्लाई कले जीरो इज इक्वाल टू के 55 सर कहीं 55 लिखले अरे भाई मत गोटे कथा कह आगु मार्क्स के 67.6 एबे मार्क के 72.6 मार्कटा जो बढ़ला कहीं बढ़ला सर एथिपाई बढ़ला बिकॉज ये 55 नंबर एक्स्ट्रा से रखिला जदि से 55 नंबर एक्स्ट्रा रखी न था जो 67.6 अच्छे से 72 हो न था है कौन पर 55 मार्क्स जो ताने मुझेपरि कि 5K 55 ताने के वैल्यू के 11 ताने मोर आंसर हूँ के डन क्लियर बुझी पाइल नेक्स्ट एटा सीजीएल क्वेश्चन ओके प्रीवियस ईयर आई थिंक 2021 रो के 20 रो क्वेश्चन 2020 ना 2021 रो क्वेश्चन देइछि द एवरेज ऑफ एन नंबर इज 36 अच्छा देखो एवरेज को बहुत सीरियसली नबो बिकॉज़ द लास्ट जितिको भी एग्जाम हिची से ओडिसा सीजीएल हो
ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଉ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଉ, କିମ୍ବା ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ 2019 ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆଭରେଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ରହୁଛି, 3-4 କୋଶ୍ଚିନ୍। ଖାସ କରି କୋଭିଡ୍ ପରେ ଯେତିକ ପେପର ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆଭରେଜର କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେବୁଲ ଟିକେ ଭଲ ଆସୁଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେ କହିଛି କି ମୋ ପାଖରେ ଦ ଆଭରେଜ ଅଫ୍ ଏନ୍ ନମ୍ବର ଇଜ୍ 36। ଏନ୍ କିଛିଟା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଅଛି, ତା ଆଭରେଜ କେତେ ଦେଇଛି 36। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ ମାନେ ନମ୍ବର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଭରେଜ। ସେ କହିଛି ଇଫ୍ 75, ଇଫ୍ ଇଚ୍ ଅଫ୍ 75, ମାନେ ଆ ଭିତରେ ଯେତିକିଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତା'ର ଯଦି 75% ନମ୍ବର ବଢ଼ିଲା କେତେ 6, 75% ନମ୍ବର କେତେ ବଢ଼ିବେ 6 ବଢ଼ିବେ, ତା'ମାନେ ବାକି କେତେଟା ନମ୍ବର ରହିଗଲେ ସାର୍, ତା'ମାନେ 25% ନମ୍ବର ରହିଗଲେ। ତା 25% ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା ସାର୍, ଏଥିରେ 9 କମିବ, ଡିକ୍ରିଜ୍ଡ ବାଇ 9। ତାହେଲେ ପଚାରିଛି ଦେନ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ କେତେ, ତାହେଲେ ନୂଆ ଆଭରେଜ କେତେ ହେବ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଆଭରେଜ ମୋର କେତେ ଅଛି 36, ଆଇଦର ଆଭରେଜ ଏଠୁ ବଢ଼ିବ ନହେଲେ ଆଭରେଜ ଏଠୁ କମିବ, ମୁଁ ଏତିକି ତ କନଫର୍ମ, ଆଇଦର ବଢ଼ିବ ନହେଲେ କମିବ, ବଟ୍ ଡିସାଇଡ଼ କେମିତି କରିବା ବଢ଼ିବ କି କମିବ, ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କୁହ। ତମ ପାଖରେ ଏନ୍ ଦେଇଛି, ତମେ ଏନ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଛ, ଜାଣିନି ସାର। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, 75% କହୁଛି, 75% ମାନେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ କେତେ, 3/4, ଆରେ ହଁ କି ନା। ଆଉ 25% ମାନେ କ'ଣ, 1/4, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏଲ୍ସିଏମ୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡିନୋମିନେଟର ସେମ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ କର ମୁଁ ଏନ୍କୁ ଭାବିଲି ମୋ ପାଖରେ 4 ନମ୍ବର ଅଛି, କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଛି, 4 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର 75% କେତେ 3, 25% କେତେ 1। ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ଅଛି, 3 ଯାକ ନମ୍ବର କେତେ କେତେ ବଢ଼ିଲେ 6 ବଢ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ନମ୍ବର 6 ବଢ଼ିଲେ 3 ନମ୍ବର କେତେ ବଢ଼ିଲା, କ୍ଲିୟର ସାର୍। ଏବେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମୋର କମିଛି କେତେ, -9, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନମ୍ବର ଅଛି, ତ 18-9 ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା 9 ଆସିଲା, ତା ମାନେ ମୋର ଆନ୍ସର ପଜିଟିଭ୍ ହେଇ ଆସିବ, ତା ମାନେ ଆନ୍ସର 36 ଉପରକୁ ଯିବ, ଉପରକୁ ଯିବ ସବୁ, ଏଇଟା ତ ଆନ୍ସର ହେବନି, କାହିଁକିନା 36 ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ରହିବ ନା। ତା ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ବଞ୍ଚୁଛି, ନ ଆଭରେଜ କ'ଣ କୁହେ, ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଞ୍ଚିଛି ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲି ବାଟ, ଇକ୍ୱାଲି କେତେଟା ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବ ସାର୍, 4 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ, ତ 4×2 = 8, 1/4 ମାନେ 0.25, ତ 36 + 2 38.25, ବୁଝିପାରିଲ। ତା ମାନେ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇ ଏନ୍ଟା ଆଜ୍ୟୁମ୍ କେମିତି କଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଡିନୋମିନେଟର 2 4 ଥିଲା, ସେ ସପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 2/5 ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1/7 ଥାଆନ୍ତା, ତ ମୁଁ 35 ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଇଟା ଇଜିଅର୍ ହେବ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଡିନୋମିନେଟର୍ରେ ଥିବା ଭାଲ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ନେଇଯିବି, ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲାନି ବିକଜ୍ 2 ଥିଲା, କ୍ଲିୟର। ତ ଯଦି 2 ଥିବ ତ ତା'ର 75%, ତା 25% ଏଠି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି 18 କ'ଣ ପାଇଁ କଲି, ଗୋଟେ ନମ୍ବର 6 ବଢ଼ୁଛି, ଆଭରେଜ ମାନେ କ'ଣ ଇଚ୍ ନମ୍ବର, ଯଦି ଗୋଟେ ନମ୍ବର 6 ବଢ଼ୁଛି 3 ନମ୍ବର କେତେ ବଢ଼ିଲା 18, ଗୋଟେ ନମ୍ବର ନ କମିଲେ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର କମିଛି, ତା'ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ 9 ଗେନ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବା ଥିଲା, ଆଭରେଜ କ'ଣ, ଏଇଟା ଭାଇ ତମର କ'ଣ ବାହାରିଛି ଜାଣିଛ ନା, ସମ୍, ଏଇଟା ତମର ସମ୍ ବାହାରିଛି, ଆଭରେଜ ବାହାରିନି। ଆଭରେଜ କେମିତି ବାହାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍କୁ ନମ୍ବରରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବ, ଆଉ ତମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ଆଭରେଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆଭରେଜକୁ ହିଁ ମିଶାଇ ପାରିବ, ସମ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା 9 ସାଙ୍ଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ କଲି, ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ 2.25 ଆସିଲା, ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି, କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା ଭଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ହାଜ୍ ସ୍କୋର୍ଡ 156 ରନ୍, ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କେତେ ସ୍କୋର କରିଛି 156 ରନ୍, କେତେ ଓଭରରେ 30 ଓଭରରେ, 30 ସୁଦ୍ଧା ସେ 156 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛି। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି କି ଦେ ନିଡ୍ ଟୁ ସ୍କୋର 275, 156 ସ୍କୋର କରିଛି, 275 ସ୍କୋର କରିବା ଦରକାର, ତା'ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ସ୍କୋର କରିବ, ସିମ୍ପଲ ମାଇନସ୍ କରିଦିଅ ନା, 15-6 ଗଲେ 9, 27-26-15 ଗଲେ 119, ଏତିକି ସ୍କୋର କରିବ, ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଓଭର ଅଛି, 50 ନାହିଁ, 50 କରିବ, ଯେଉଁଥିରୁ 30 ଗଲାଣି ଫେରି, ଆଉ କେତେ ଓଭର ଅଛି, 20, ଆଭରେଜ କେମିତି ବାହାରିବ, 2 କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କର ନା, 2/5 18 ହେଇଗଲେ, 2/5 10 ନା, ହଁ 2/5 10, ଆଉ 19 ହେଇଗଲା, 2 9 18, ତା'ମାନେ ଏବେ ଚେକ୍ କର 59 59 59, ସାର୍ ଇଏ ତ ହେବନି, ଇଏ ତ ହେବନି, ଏଇ 2 ଭିତରୁ ଗୋଟେ ହେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ତ ସାର୍ 1 ଅଛି, 2/5 10, ଯେହେତୁ 0 ଅଛି 5.95, ସରି, କ୍ଲିୟର। ତା'ମାନେ 119 ସିଧା ଅଧା କରିଦେଲି, ଅଧା କରିଦେଇକି 0 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗେଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ, କ୍ଲିୟର, ଡନ୍। ନେକ୍ସଟ, ତମ ପାଖରେ 2 ବୋଟଲ ଅଛି ଅଫ୍ ସେମ୍ କାପାସିଟି, ଗୋଟେରେ 35% ଆଉ 33 whole 1/3%, କ'ଣ ଫିଲ୍ ଅଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ଫିଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେଇଛି, ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଛି।
ହେଲା 35 ଆଉ 33 ହେଲେ 1/3% ଦେ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ୱିଥ୍ ଆପଲ୍ ଜୁସ୍ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଅଛି ବୁଝ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେନର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 35% ଅରେଞ୍ଜ ଜୁସ୍ ଅଛି ତା'ମାନେ ବାକି କେତେ ଥିବ 65% ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଲ୍ ସିମିଲର୍ଲି ଆଉ ଗୋଟେ 33 ହୋଲ୍ 1/3 ଅଛି ତା'ମାନେ ଆଉ ଆପଲ୍ ଜୁସ୍ କେତେ ଫିଲ୍ ହେବ 66 ହୋଲ୍ 2/3% ସିଏ କହିଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ବୋଟଲ୍ସକୁ ଏବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଟଲ୍ରେ ଢାଳିଦେଲା କ୍ଲିଅର ତା ମାନେ ଏ ବୋଟଲ୍ର କାପାସିଟି ଯେତିକି ଥିଲା ଏ ବୋଟଲ୍ର କାପାସିଟି ସେତିକି ଅଛି ସେ କେମିତି କେମିତି ଜାଣିଲ ସାର୍ ନା ଏଇଠି ଦେଇଛି ଜୁସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଭେସଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି ଇନ୍ ଟୁ ଆନଦର ଭେସଲ୍ ତ ଆନଦର ଭେସଲ୍କୁ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଟି କଲା ତା ମାନେ ଏଇ ରେସିଓଟା ତୁମକୁ ସେ ପଚାରିଛି ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ କେତେ ଥର ଦେଇଛି ଥରେ ଏଥିରୁ କେତେ ଥର ଦେଇଛି ଥରେ ବିକଜ୍ ଇଏ କେତେଟା ବୋଟଲ୍ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବୋଟଲ୍ ଥିଲା ଇଏ ଭି ତ ସେଇ ବୋଟଲ୍ ଥିଲା ନା ସେମ୍ ବୋଟଲ୍ କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି କ୍ୟାପାସିଟି ସେମ୍ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ କ୍ୟାପାସିଟି ସେମ୍ ଦେଇଛି ମୁଁ 1:1 ନେଲି ସେ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତା କ୍ୟାପାସିଟି 2:1 ତ 2:1 ହେଇଥାନ୍ତା ତା ମାନେ ମୋତେ ଏଇ ରେସିଓଟି ଦରକାର ତା ମାନେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋତେ ମିକ୍ସଚର୍ର ରେସିଓ ଦରକାର ଆଉ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ମିକ୍ସଚର୍ ଆଲିଗେସନ୍ରେ ବି ପଢ଼ା ହେଇଛି କି ଯାହା ବି ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିବ 65 ଆଉ 62 66 ଭିତରେ ରହିବ 34 ତ ହେବନି 64 ହେଇପାରେ ନାଇଁ 64 ବି ହେବନି କାହିଁକିନା 64 65 ତଳକୁ ହେଇଯାଉଛି 60 ହେବନି ତା ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ 65 4 5/6 ଆଉ ତମେ ଯଦି ଚେକ୍ ବି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଏଇଠି ପକାଇକି ଚେକ୍ ବି କରିଦିଅ ତମେ ଯଦି ଏଇଠି 65 ହୋଲ୍ 5/6 କରିବ ଆ ଦେହରୁ ଆକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ 5/6 66 ହୋଲ୍ 2/3 ଏଇଟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିବ ଆଚ୍ଛା ସାର୍ 66 ହୋଲ୍ 2/3 ମାନେ 4/6 ନୁହେଁ କି ଆରେ ଦୁଇଟା ଯାକ 2 ଗୁଣିଦେଲି 65 ହୋଲ୍ 5/6 4/6 ଇଏ 5/6 ମାଇନସ୍ ହେବ ତା ମାନେ 1 ହୋଲ୍ 1/6 ତା ମାନେ 5/6 ନୁହେଁ କି ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ କାଟିଲେ ରେସିଓ 1:1 ହେବନି ବୁଝିପାରିଲ ତା ମାନେ ତମେ ଏଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ରୁ କରିପାରିବ ଯଦି ତମେ ଜାଣୁଛ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲିଗେସନ୍ର କ୍ଲିଅର ଡନ୍ ଯିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି 60 ଲିଟରର ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର 60 ଲିଟରର କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣିର ରେସିଓ ଅଛି ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଦ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର 3:2 ତା ମାନେ ଯେଉଁ ମିକ୍ସଚର୍ ଅଛି ମିଲ୍କ ଆଉ ୱାଟରର ରେସିଓ କେତେ 3:2 ଏଇଟା ହେଉଛି ମିଲ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟରର କେତେ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି 60 ଲିଟର ଅଛି ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି 60 ଲିଟର ଏବେ କ'ଣ ହେଲା ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର 1:1 ତା ମାନେ ମୋତେ ରେସିଓ 1:1 କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେନ୍ ହାଉ ମଚ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ୱାଟର ସୁଡ୍ ବି ଆଡେଡ୍ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଆଡ୍ କରୁଛି ୱାଟର ଯଦି ମୁଁ ୱାଟର ଆଡ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ୱାଟରର ରେସିଓଟା ଅଲଗା ହେବ ନା ତ ମିଲ୍କର ରେସିଓ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ହେବନି ତା ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ମୁଁ 2:3 କରିନି 2:3 କରିଦିଅ 3:3 ତା ମାନେ ଆକୁ କାଟିଦିଅ ତା ମାନେ କ୍ଷୀର ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଅଛି ପାଣିଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ପାଣି କେତେ ବଢ଼ିଛି 1 ୟୁନିଟ୍ ବଢ଼ିଛି ସାର୍ 1 ୟୁନିଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ତମେ ଜାଣିଛ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା 5 ୟୁନିଟ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ ତମ ଅନୁସାରେ କେତେ ଆସୁଥିଲା ନା ସାର୍ ମୋ ଅନୁସାରେ 60 ଥିଲା ଯଦି 5 ୟୁନିଟ୍ 60 ଥିଲା ତ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କେତେ 12 ଆଉ ତମକୁ ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲି ପଚାରିଛି ବି ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ତା ମାନେ କେତେ ଲିଟର ଆଡ୍ କରିବ 12 ଲିଟର ମେନ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥିଲା ଏଇଠି 3 ଇନ୍ଟୁ କରିବାର ଥିଲା ଆରେ ଭାଇ ରେସିଓ 1:1 ହେବ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ହେବ ମୁଁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ଯଦି ପାଣି ଆଡ୍ କରୁଛ ତାହେଲେ କ୍ଷୀରର ରେସିଓଟା କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ କ୍ଷୀର ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କେବେ ହେବ କି ତମ ପାଖରେ କ୍ଷୀର 3 ଲିଟର ଅଛି ପାଣି 2 ଲିଟର ଅଛି ତମେ ପାଣି ଆଡ୍ କଲ କ୍ଷୀର 1 ଲିଟର ହେଇଯିବ ପସିବୁଲ୍ କି ପସିବୁଲ୍ କି କେବେ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ କ୍ଷୀର ଥିଲା 3 ଆଉ 2ର ପାଣି ଆଡ୍ ହେଲା 3 ଆଉ 3 ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ରେସିଓଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଲେଖୁ କାଟିକିରି 1:1 ଲେଖିଦେଲୁ ତା ମାନେ ଏଇଟା ତ ନୁହେଁ ନା କି 3 ଥିଲା 1 ହେଇଗଲା ସେଇଟା ତ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ ତ ଯଦି ମୁଁ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଛି ତାହେଲେ କ୍ଷୀରର ରେସିଓଟା ଆଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେମ୍ ରହିବ ମାନେ ମିଲ୍କର ରେସିଓ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ରହିବ ଏଇଠି 3 ଥିଲା ତ ମୋତେ 3 କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଡନ୍ ନେକ୍ସଟ ଡାଇମଣ୍ଡ ୱାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ୱାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାର୍ ଏ ଆଉ ବିର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସାର୍ ଏ ଆଉ ବି କେତେ ରେସିଓରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ 3:7 ନା 7:3 3:7 ଏ 3ଟା କାମ କଲେ ଏ ଯଦି 3ଟା ଚେୟାର ବନାଉଛି ବି କେତେଟା ଚେୟାର ବନାଉଛି 7ଟା ଚେୟାର ବନାଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ଇନ୍ 10 ହୋଲ୍ 1/2 ଡେଜ୍ ତା ମାନେ ଏ ଆଉ ବି ମିଶିକିରି କେତେ ଦିନେ କାମ ସାରୁଛନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ୱାର୍କର ମେନ୍ କାମ ହେଉଛି ୱାର୍କ ବାହାର କରିବା ତମେ ଜାଣିଛ ଦିନକୁ କରୁଛନ୍ତି 10ଟା କାମ 10.5 ଦିନରେ କେତେଟା କାମ କରିବେ ସାର୍ କେମିତି ଜାଣିଲେ
फॉर्मूला कौन एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपन टाइम। तो वर्क रो फॉर्मूला कौन एफिशिएंसी इनटू टाइम। दिन को करूँ 10 काम, अरे एमती बुझ ना, तुम दिन को 10 काम कर 10 दिन कैटा काम कर 100 काम सी देती केते दिन 10.5 दिन काम कर 10 दिन 100 10.5 दिन 5 105 एमती बुझ ता माने टोटल 105 काम अच्छे काम सारी हे। एबे से कौन कहला दे टुगेदर वर्क फॉर 8 डेज 105 जो काम अच्छे ता देहरू 8 दिन जाए दिजन मिसी काम कर तुम भल भाव जान दिनों के काम कर 10 8 दिन के काम करेंगे 105 रु 80 माइनस कर दियो ता माने के 25। एबे क्वेश्चन नहीं 60% ऑफ़ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए एलोन इन हाउ मेनी डेज। तमें जो कामटा अच्छी 25% 25 रा 60% मानी के 3/5 तमें केतटा काम अच्छे 15 को ए कर ए केते दिन ने कर ए दिन को 3 काम कर टाइम इज इक्वल टू व्हाट वर्क बाय एफिशिएंसी तमें आंसर के 5 डेज। भाई ये गोटे फर्मूलार पूरा टाइम एंड वर्क चलछे केते बड़े वर्क बाहर। अच्छा देख मन रख एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क बाय अपन टाइम रे केते बड़े भी टाइम एंड वर्क रो क्वेश्चन दिछ ना तुम्हारा फास्ट काम होछि आको वर्क बाहर करिया। जदि तुम वर्क बाहर कर देलो ना तुम इजिली कोनोसी भी क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट कर पारिबो। तो एठी हमर वर्क ही तो मेन थिला ना हमें वर्क जानी गलु तापर 8 दिन काम जानलु रेस्ट ऑफ द काम एक दिन कर। अच्छा रेस्ट ऑफ द काम पूरा भी नुए तार 60% आ 60% माने जान ना के 60/100 वो डायरेक्ट लिखी देची 20 रे काटले 3/5 क्लियर जीवाक दीटा टैप देची अलग अलग फिल कर पाइप ए पाइप बी टू 5 घंटा कम नौ ए जी की समय नौ बी ता टू एमती लिख ए टेक्स 5 आवर लेस देन बी मैंने बी जी समय नौ ए 5 घंटा कम नौ दिज मिसिक 6 घंटे फिल कर मत कह कि पाइप बी के फिल कर आंसर जहाँ अच्छे कह रही पाइप बी अरे हाँ कि ना पाइप बी रिनी मुझे 15 आवर में फिल कर ए के समय फिल कर 10 आवर मैंने चूज फ्रम द ऑप्शन ट्रायल एंड एरर मेथड में गोटे गोटे उठेली जदि बी 15 घंटे फिल कर ए के घंटे फिल कर 10 घंटे मुझे जानी ए बी मिसिक घंटे फिल करा दरकार 6 घंटे माने मु एबे क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके चेक करी 6 घंटा हो ना तो एलसीएम के 30 3 2 तमें ए बी को फुल करके समय लगे सर 30 लिटर अच्छी ए गोटे घंटे 3 लिटर बी गोटे घंटे 2 लिटर मैंने 5 कटिगला के 6 तो तुम आंसर के 15 सर आपड़ के जानते 15 हम बोली देख सिंपल कथा ये अच्छे 9 जदि बी मोर 9 घंटे फिल कर तमें ए मोर के घंटे फिल कर 4 आ मुझे भल भाव जानी 9 आउ 4 मल्टीपुल नुह 9 आउ 4 मल्टीपुल के 36 आउ ये दब 9 ये दब 4 मिसले 13 हम जोटा कि 36 कटोनी तो 18 भी हेनी जदि ये 18 है ये 13 ये गोटे प्राइम नंबर चान्स नहीं जदि बी तुम 18 है ए के 13 प्राइम नंबर चान्स नहीं। सिमिलरली ये कौन आसला 10 गोटे 10 आउ गोटे 5 अधा ही जाऊँगी मैंने रेसीो जहाँ भी आसो डिवाइडेड बै 3 रोने मो पाखे गोटे ऑप्शन थी कौन ऑप्शन डी चूज करिए डन 20 गल्ला क्वेश्चन नंबर 20 कौन दी ना ए ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रैवल स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड विथ स्टॉपेज इट ट्रैवल 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा गोटे ट्रेन बिना कौन सी जगह रहीकि ट्रैवल करते किलोमीटर जाऊँ 50 किलोमीटर केते किलोमीटर गला 50 किलोमीटर जदि सर से स्टॉपेज रे रही स्टॉपेज रही से केते जाई परिबो 40 किलोमीटर ता माने से केते किलोमीटर जाई पाइलानी 10 किलोमीटर कहीं जाई पारेनी सर से स्टॉपेज रही क्वेश्चन पचार कि मत तुम्हें कह हाउ मेनी मिनिट से स्टॉपेज रहिला। अच्छा सर तुम्हें जब बाहर करवाक जीव ना कि स्टॉपेज के समय रही तुम्हें बाहर करें कहीं से समय रही तुम्हें जानपर तुम्हें मत खाली गोटे कथा बाहर करदे जी बाहर करदेव सर जिते बड़े से स्टॉपेज रे रहू नथला ताको केते किलोमीटर जाउथला 40 जेतेले स्टॉपेज रे रहिला केते किलोमीटर गला सॉरी जेतेले स्टॉपेज रे रहू ना 50 तेतेले स्टॉपेज रे रहला 40 ता माने से केते किलोमीटर जाई पाउनी 10 किलोमीटर माने सर 10 किलोमीटर जिबाकु जो टाइम टा लागिवो सेई टाइम टा से रहूची स्टेशन रे। अरे हाँ कि ना 10 किलोमीटर जिबाकु जेतिके समय लागिवो सेतिके समय से स्टेशन रे रहूची ता माने से 10 किलोमीटर को जिबाकु केते समय लागिवो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस स्पीड कौन 50 भी अच्छी 40 भी अच्छी अप कौन 50
ସେ ଚାଳିଶ କାହିଁକି ହେବନି? ଆରେ ଭାଇ, ଚାଳିଶଟା ହେଉଛି ତୁମର ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ଟା। ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଛି ପଚାଶ। ସାର୍ ଚାଳିଶ କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲ ସ୍ପିଡ଼୍ ତାର ପଚାଶ, ଚାଳିଶ ଏଥିପାଇଁ ହେଲା ବିକଜ୍ ସେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଲେ ସ୍ପିଡ଼୍ କ'ଣ ହେବ? କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିଡ଼୍ କମିଛି। ସ୍ପିଡ଼୍ ଇଏ ନୁହେଁ, ସ୍ପିଡ଼୍ ହେଉଛି ଇଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆସିଲା। ଜିରୋରୁ ଜିରୋ କଟିଗଲା 1/5 hour। ଆଉ ତୁମକୁ ସମୟ ଦରକାର ମିନିଟ୍ରେ, ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 60 କାଟିଦେଲି, କେତେ ହେଲା? 12। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କେତେ ମିନିଟ୍? 12 minutes। କ୍ଲିଅର୍? ଡନ୍। ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି ସ୍ପିଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ମିକ୍ସଚର୍ ଆଲିଗେସନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଏ ମ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ 35 kilometers ଇନ୍ 5 hours। ଗୋଟେ ଲୋକ 35 kilometers ଯାଉଛି କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ? 5 ଘଣ୍ଟାରେ। କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ହି ଟ୍ରାଭେଲ୍ଡ ପାର୍ସିଲି ଅନ୍ ଫୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ ବାଇସାଇକେଲ, ମାନେ କିଛି ବାଟ ଯାଉଛି ଚାଲି ଚାଲି, କିଛି ବାଟ ଯାଉଛି ବାଇସାଇକେଲରେ। ସାର୍ ଯେଉଁ ଫୁଟ୍ରେ ଯାଉଛି କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି? 4 kilometers per hour। ଆଉ ସାର୍ ଯେଉଁ ବାଇସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି କେତେ କିଲୋମିଟରରେ ଯାଉଛି? 9 kilometers per hour। 35 kilometers 5 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି ଓଭରଅଲ୍ଟା, ହେଲା। ଟୋଟାଲ 35 kilometers ପଳାଉଛି 5 ଘଣ୍ଟାରେ। ଯଦି ଫୁଟ୍ରେ ସେ ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ବାଟଟା ଫୁଟ୍ରେ ଯାଉଛି 4 kilometers per hour ଯାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ବାଇସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି 9 kilometers per hour, ମୋତେ କୁହ ଯଦି ଓଭରଅଲ୍ଟା ଦେଖିବ, ଓଭରଅଲ୍ କେତେ? 35/5 କଲେ ତାମାନେ 7 kilometers per hour। ହଁ କି ନା? କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? 4-9 ଭିତରେ ଅଛି। ଇଏ ବି କିଲୋମିଟର୍ per hour, ଇଏ ବି କିଲୋମିଟର୍ per hour, ଇଏ ବି କିଲୋମିଟର୍ per hour। ତା ମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ଆଲିଗେସନ୍। 7-4 - 3, 9-7 - 2। ତା ମାନେ ମୋ ହିସାବରେ ଯେତିକି ବାଟ ସେ ଯାଇଛି ସେଥିରୁ 2 ଭାଗେ ଯଦି ପାଦରେ ଯାଇଛି, ତାହେଲେ 3 ଭାଗେ ସେ ଯାଇଛି କେଉଁଥିରେ? ବାଇସାଇକେଲ। ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଲା କ'ଣ? ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଇ ଫୁଟ୍, ଫୁଟ୍ରେ କେତେ ଯାଇଛି? 2। ତ 4-2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଇଗଲା? 8 kilometers। ହ୍ୟାଲୋ, ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ବାଇସାଇକେଲ, 9-3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, 27। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କଲ, 27-8 ମିଶାଇଲ, 35 ହଉନି କି? ଆରେ ହଁ କି ନା? ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 2-4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲି, ମୋର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଆସିଗଲା? 8 kilometers। ତ ମାନେ ଫୁଟ୍ରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି? 8 kilometers। ଆଉ ଯଦି ବାଇସାଇକେଲ ପଚାରିଥାନ୍ତା, ତ ବାଇସାଇକେଲ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। କ୍ଲିଅର୍? ବୁଝିପାରିଲ? ଆରେ ଭାଇ, ଏଇଟା କାହାର ରେସିଓ ଜାଣିଛ ନା? ଏଇଟା ତମର ଟାଇମ୍ର ରେସିଓଟା, ଏଇଟା ସ୍ପିଡ଼୍ର ରେସିଓ। ସ୍ପିଡ଼୍ ଇନ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଡନ୍। ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଏ ବୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ 15 kilometers ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଗୋଟେ ବୋଟ୍ 15 kilometers ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗଲା, ଆଣ୍ଡ 8 kilometers ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆସିଲା 2 ଘଣ୍ଟାରେ। 15 kilometers ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗଲା, ଆଣ୍ଡ 8 kilometers ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆସିଲା କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ? 2 ଘଣ୍ଟାରେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି? 20 kilometers ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗଲା, ଆଣ୍ଡ 12 kilometers ଅପ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆସିଲା କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ? ନା ସାର୍, 2 ଘଣ୍ଟା 50 minutes। ତା ମାନେ ମୁଁ 5/6 ଲେଖିଦେବି। ଆଉ ତୁମ ସୁବିଧା ପାଇଁ 6×12 + 5 = 17/6। ଏବେ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଫ୍ ଦ ବୋଟ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଗୋଇଙ୍ଗ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତା ମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଛି x + y ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ। ଯଦି ବୋଟ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯିବ, ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ମାନେ ବୋଟ୍ର ବି ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ବି ସ୍ପିଡ଼୍ ଅଛି, ତା'ମାନେ x + y କେତେ? ତ ମୁଁ ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଠି ଅପ୍ସନ୍ରୁ ଏଲିମିନେଟ୍ ତ ହେବନି, କାହିଁକି ଅପ୍ସନ୍ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଦେଇଛି, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ବେଷ୍ଟ ହେବ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ହିଁ ଆଉଟ୍ କରିଦେଉଛି। ମୋତେ କହିଲ କେଉଁଟା ଆଉଟ୍ କରିବା ଇଜି? ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରିବି, 15 ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ଆଉ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ତାହେଲେ ସାର୍ ହେବ କ'ଣ? 15×4 = 60, 20×3 = 60, ଦୁଇଟା ଯାକ କଟିଯିବେ, ତାହେଲେ ରହିବେ କେତେ? 8×4 = 32। ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି, ଆଣ୍ଡ ସରି, ଏଇଟା x - y ହେବ, x - y। ଆଣ୍ଡ ସାର୍, ଏଇଟା 12×3 = 36, ତା ମାନେ ମୁଁ ମାଇନସ୍ କେତେ କରିବି? 36x - y। ଦୁଇ ଜଣକୁ ମାଇନସ୍ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଭାଲ୍ୟୁ? ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, 4/x - y। ଆରେ ହଁ କି ନା? ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ହେବ, ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 4/x - y। କେତେବେଳେ ସାର୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ବି ତ ମାଇନସ୍ କରିବେ, 4×2 = 8,
ଏଇଟା ଏଥିରେ କଟିଗଲା। ସେଭେନ ମାନେ ଏଇଟ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ, ଏଇଟ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭରୁ ଏଇଟ ମାଇନସ୍ ହେଲେ କେତେ ହେଲା, ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ। ଟୁଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ ତାମାନେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସିଗଲା, ଏଇଟ। ଆରେ ଭାଇ ଯଦି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମୋର ଏଇଟ ଆସିଲା, ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମୋର ଯଦି ଏଇଟ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଭାଲ୍ୟୁ ଯଦି ମୋର ଏଇଟ ଆସିଲା, ଏଇଟରେ ଏଇଟ କଟିଲେ କେତେ ଆସିବ, ୱାନ୍। ତାମାନେ ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ଭାଲ୍ୟୁଟା ୱାନ୍ରେ ମିଶିଲେ ଟୁ ଆସିବ, ୱାନ୍। କେତେବେଳେ ୱାନ୍ ପସିବୁଲ, ଯଦି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମୋର କେତେ ହେଇଥିବ, ପନ୍ଦର। ତାମାନେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମୋର କେତେ, ଆରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମୋର କେତେ ଅଛି, ଏଇଟ। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଏଇଟ ପକେଇଲି, ଏଇଟରେ ଏଇଟ କାଟିଲେ ୱାନ୍ ଆସିବ, କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ ହେଲେ। ଏବେ ମୋତେ କୁହ କ'ଣ ଭାଲ୍ୟୁରେ ୱାନ୍ ମିଶାଇଲେ ଟୁ ଆସିବ, ୱାନ୍। ସେ ୱାନ୍ଟା କେମିତି ଆସିବ, ପନ୍ଦରରେ କ'ଣ ମାନେ ଫିଫ୍ଟିନ୍ରେ କ'ଣ ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ୱାନ୍ ଆସିବ, ଫିଫ୍ଟିନ୍। ଫିଫ୍ଟିନ୍ ପଡ଼ିଗଲା, ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେଲା, ଫିଫ୍ଟିନ୍। କ୍ଲିଅର, ଫିଫ୍ଟିନ୍ କ୍ଲିଅର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ସୁଗର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ 20%। ଏ ପର୍ସନ୍ ୱାନ୍ସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବାଇ 8% ଓନ୍ଲି। ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଟୁ କନଜପ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଠି ଲେଖ, ଏଇଠି କନଜପ୍ସନ୍ ଲେଖ, ଏଇଠି ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଲେଖ। ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବଢ଼ିଲା, 20%। 20% ମାନେ 5 ଥିଲା, 6 ହେଇଗଲା। ସେ କହିଛି କନଜପ୍ସନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଛି, ସେଇଟା ତ ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କେତେ ହେଇଛି, 8% ବଢ଼ିଛି। ତାମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 108 ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଏବେ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା କୁହ, ଫାଇଭରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 120, ସିକ୍ସରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 108, 18। 20 କେଜି ଆଗରୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଥିଲେ, ଏବେ 18 କେଜି କନଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, 2। କେଉଁଠୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି, 20ରୁ। ଆରେ ଆଗରୁ 20 କିଲୋ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ 2 କିଲୋ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ 2 କିଲୋ କମିଛି। କାହା ହିସାବରେ, 20 ହିସାବରେ, ଇଣ୍ଟୁ 100। ତାମାନେ 5 × 10, ତ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ, 10%। ତାମାନେ ଖାଇବାଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କମିଛି, 10% କମିଛି, କିମ୍ବା ତମେ ରେସିଓରେ ବି କାଢ଼ିପାରିବ। 2ରେ କାଟିଲେ 10, 2ରେ କାଟିଲେ 9। 10 ଖାଉଥିଲା, 9 ଖାଉଛନ୍ତି, 1 କେଜି କମିଲା, 10 × 1/10 ମାନେ 10%। ଏମିତି ବି ତମେ କରିପାରିବ, କିଛି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ର ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ, ହଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ରମେଶ ସ୍ପେଣ୍ଡ 40% ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରି ଅନ୍ ଫୁଡ଼। ରମେଶର ସାଲେରି ଯେତିକି ବି ଅଛି, ସେଥିରୁ ସେ 40% କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଖାଇବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି। ତ ଫୁଡ଼ରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, 40%। 18% ଅନ୍ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ, ଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କେତେ, 18%। 12% ଅନ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, 12%। 5% ଇନ୍ କନ୍ଭିନିଏନ୍ସ, ମାନେ ଅଦର ଯିବା ଆସିବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 5% ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ବଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଫଙ୍କସନ୍ ହି ହାଜ୍ ଟୁ ବରୋ 16,000। ମୋତେ ଆଗକୁ ଏତିକ କେତେ ହେଉଛି, 18, 12, 30, 40, 70, 5, 75। ତାମାନେ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ କରିଦେଇଛି, ତା ଦରମାର 75% ଅଲରେଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। ତାମାନେ ତା ପାଖରେ ସେଭିଂସ ନାଁରେ କେତେ ବଞ୍ଚିଛି, 25%। ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟେ ଘରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା, ସେ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ 16,000 rupees ଜଣଙ୍କୁ ଉଧାରରେ ଆଣିଲା। ଫଙ୍କସନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ, ପଇସା ଦେବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଫ୍ରମ୍ ଏ ମନି ଲେଣ୍ଡର ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ 20,000। 20,000 ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ 16,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଲା। ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହେବ, 20,000। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ କରିକିରି ଆଣିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି, 16,000 ଟଙ୍କା। 4,000 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲା, ତା ମାନେ ତା ପାଇଁ ସାର୍ 4,000 ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଥିବ ତା ଦରମାରୁ। ଆରେ ଭାଇ, ଟୋଟାଲ୍ ବାହାଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା, ଧରିନିଅସ୍ କି ଗୋଟେ ବ୍ରତ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 20,000 ଟଙ୍କା, ସେ 16,000 ଟଙ୍କା ତା ସାଙ୍ଗଠୁ ଆଣିଛି। ତାମାନେ 4,000 ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ଥିବ, ତା ପାଖରେ ଥିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ତା ପାଖରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି, 25%। ଆମର ଯେଉଁଟା 25%, ତାର ସେଇଟା ହେଉଛି କେତେ, 40,000। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ, 160। ଆରେ ହଁ କି ନା, 25ରେ କାଟିଦେଉ ନା, 100, 160। ଯଦି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟ 160, ତୁମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି, 100% ପଚାରେ ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରି, ହିଜ୍ ମନ୍ଥଲି ସାଲେରି କେତେ, 100। ତ ଏଇଠି 2 ଜିରୋ ଲଗେଇ ଦିଅ, ଏଠି ବି 2 ଜିରୋ ଲଗେଇ ଦିଅ, ତା ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ, 16,000। କ୍ଲିଅର, ଯିବା। ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଇଜ୍ ସୋଲ୍ଡ ଆଟ୍ ସର୍ଟନ୍ ପ୍ରାଇସ୍, ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ଯଦି ତା'ର ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ଯଦି ତାକୁ 80% ଯେଉଁ ଦାମ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଲା, ତା 80%ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା, 80%ରେ ବିକ୍ରି ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ 4/5, ତାହେଲେ ତାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲସ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, 10%। ଆରେ ଭାଇ, ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିଛ ନା, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଦାମ୍ କେତେ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, 100। ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲ, ତାକୁ ତୁମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦାମ୍ରେ ବିକିଲ, ସେ ଦାମ୍ଟା କେତେ, ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତାକୁ ତୁମେ ଏସ୍ ପି ନେଇଯାଅ,
से जो दामटारे बिक्री है से दामटा एसपी एसपी किसी भी पारे 120 140 190 50 60 किसी भी पारे एसपी रे बिकिल सी कहूँ तुम्हें जो दाम बिकिल से दाम न बिकिकी जदि तार 80% बिकिल तो एसपी रही 80% के 4/5 ताहले तुम कौन हम 10% लॉस हम मुझे कि 10% लॉस मानते के 90 ताने मोर एसपी रैल्यूटा के 22.5 पाँच रे गुणले 25 22 पंचा 110 112 ताने मोर सेलिंग प्राइस वैल्यू के 112 सर मत क्वेश्चन पचार व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही गेटिंग इन सेलिंग प्राइस किणी थला केते रे 100 बिकुची केते रे 112 रे ता माने प्रॉफिट केते करछ 12.5 तो तुम आंसर केते हबो मु आउ थरे बुझौ छी सीए किणी थला 100 टका रे बिकुची केते टका रे 112.5 तमे जानिछ एबे जानिछ सतले जान नथुलो तमे जानिछ किणी थला से 100 रे एबे बिकुची केते टका रे 112.5 रे दैट्स गुड ता माने सी किंतु क्वेश्चन सेकंड सेंटेंस रे कहू छी कि जदि 80% रे से बिकिला माने सेलिंग प्राइस जोटा अछि ना 112.5 तार 80% रे बिकिला अच्छा गोटे काम करनो 112.5 रे 80% बाहर करलो 5 रे कैंसिल आउट करले 5 2 10 22 5 4 22 5 2 10 22.5 एटी 4 अछि 22.5 को 4 रे गुणले केते होछि 90 तुम्हें किणी के 100 एवं होते 90 तमेंगे 10% कौन हो लस होसी से ही कथा कही एसपी रईटी परसेंट रे बिकले जीक दाम बिकवा कथा से न बिकिता 80% रे जी बिकुच लस खाई 10% मत क्वेश्चन पचार एक्चुअल एसपी के मैंने एक्चुअल प्रॉफिट के एक्चुअल प्रॉफिट के जानवे एसपी बाहर जी तो मुझे जाणीगली मोर एसपीटा के 112.5 ताने मोर प्रॉफिटा के 12.5 कहीं किणी 100 बहुत भल क्वेश्चन रहा एमते क्वेश्चन भी रिपीट हो पाए नेक्स्ट कौन देची ए टीवी इज सोल्ड एट 8% गेन गोटे टीवी को बिक्री करा गला 8% लाभ रे ता माने किनी थिला केते रे सर केबे भी लाभ क्षति कथा आसीबो माने सीपी केते हबो 100 ए प्रॉफिट लॉस रे सीपी 100 हबो डिस्काउंट रे मार्केट प्राइस ता 100 हबो बेसिक कथा एबे मते कह जदि ताकू तमे बिकिल 2553 लेस रे जति करे किणी थिलो ता देहरु 2553 टका माने 2553 कम रे बिकिल ताल तमरो लॉस हम 15% तमे किणी थिलो 100 रे बिकुचो केते रे 108 रे जदि कम दाम रे बिकिल केते कम रे बिकिल 2553 ताल तमरो लॉस केते हि जीव 85% सर केम जानले 15% सॉरी 18% लॉस हो 18% लॉस माने केते टका हबो 82 ता माने अरे भाई ठीक कर 15% लॉस ना 85 ता माने मो अनुसार तुमर केते रेट कमिला 15 और सेपटे 8 ता माने 23% तुमर कमिला तुम अनुसार जोटा 23% क्वेश्चन रो वैल्यू केते देची 2553 ता माने गोटे परसेंट रो वैल्यू केते 23 के 23 ता माने गोटे परसेंट वैल्यू केते 111 सी कही टू गेन 80% द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी वुड बी केते ताले जदि 18% प्रॉफिट करिवो 18% प्रॉफिट माने करते 118 प्रॉफिट करिवो ताले प्राइस टा केते आसीबो तो एबे मल्टीप्लाई कर दियो 100 अच्छा छाड़ गोटे परसेंट वैल्यू केते आसला गोटे परसेंट वैल्यू केते आसला 111 तुमको दरकार केते परसेंट प्रॉफिट 18% प्रॉफिट जदि गोटे परसेंट एतिके आसी तो 118% केते हबो तीनटा जंगो मल्टीप्लाई करे बहुत समय लागो तला 100% काड 100% केते हबो 111 00 ता माने 11100 होउची तमर 100% रो वैल्यू तुमको लाभ 18% करि रहछ गोटे परसेंट होउची 111 तो 18% केते हबो मल्टीप्लाई कर दियो 18 × 1 = 18 अरे तो यूनिट प्लेस पक्का 8 रहइबो एटा तो हबो मेसेज दिबो अरे भाई 18% 18 को 111 ने मल्टीप्लाई करले तुम्हें जहाँ मल्टीप्लाई करे यूनिट डिजिट रे तो 8 पक्का रहइबो ना तुम्हें ये देख 0 अच्छे एथेरे 8 मिसिबो ता माने जहाँ भी आंसर रहइबो यूनिट प्लेस रे 8 थिबो तो कोउथरे अच्छे 8 गोटे रे अच्छे सरला टाइम वेस्ट करिबनी गुणी दबा सेतिकी आसिबो ओके नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस रो क्वेश्चन ए डीलर बायज एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% गोटे डीलर कौन कर गोटे आर्टिकल को बिकी के 20% डिस्काउंट रे ऑन इट्स लिस्ट प्राइस
लिस्ट प्राइस नथिंग बट मार्केट प्राइस, बट एबे पाए हमें लिस्ट प्राइसटा को नौचे सीपी कॉस्ट प्राइस। धन्य मु 100 किनी थिले 20% डिस्काउंट दोचे, ठीक अछि 20% डिस्काउंट देला पर एंड मार्क्स सेटा 25% ता माने दाम को पे बढे करी केते कर देला 125 आउ इथरे डिस्काउंट दे दीची ता माने 100 20% डिस्काउंट माने केते रे बिकुचे एबे 80 रे। एबे से कोन कला 25% अबव द कॉस्ट प्राइस, इफ ही अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन द न्यू लिस्ट प्राइस तामने एबे एथेरे जदी 20% डिस्काउंट देला तो 125 रो 20% डिस्काउंट केते 100। मते क्वेश्चन पचा छि ताले मते प्रॉफिट परसेंट केते को। अच्छा भाई आगुरु प्रॉफिट तमे किनि थले केते 80 रे बिकुजो केते 100 रे केते लाभ कलो सर 20 कोथरो लाभ होला 80 रे 20 को 80 रे काटले केते हो 1/4 माने केते परसेंट क्लियर। से ए दाम रे किनिनि, ए दाम रे जदि किनि थन 0% हबो। से ए दाम रे किनिनि से एथेरे 20% डिस्काउंट दे गिरि किनिछि 20% डिस्काउंट माने किनिछि केते रे 80 रे। तमे कहबो सर एटा सीपी, अरे भाई एटा सीपी ता पई तम पई एटा सीपी नुहे, तम सीपी होछि एटा। भाई सपोज कर मु गोटे पानी बोतल टा को तमको बिकिली, मु ए बोतल टा को 100 रे किनिछि हला, मु 120 रे तमको बिकिली, ता माने 120 टा मो पई कोन हला एसपी हला, किंतु 120 टा तम पई कोन हला सीपी हला, बा सेम कथा। सी जो प्रॉफिट करिछि ना से 100 टा रे डिस्काउंट देछि, ता पई एटा सीपी हो कि ता पई एटा एमपी हो सेटा फरक पड़ेनि, केना से जेहेतु डिस्काउंट देछि तो एटा एमपी ही हबो, किंतु मे कन्फ्यूज न होबा पई मु सीपी लिखि देछि। एमपी रे जदि डिस्काउंट देला 100 रो त माने केते हे गला 80 रे, सी 80 रे बिकि देछि, केना मार्केट प्राइस रे डिस्काउंट लागले सेलिंग प्राइस हबो, से बिकि देछि 80 रे, किंतु तमे किनिछ केते रे 80 रे, ता माने तमरो सीपी होछि केते 80। आउ जदि से रेट बढ़े ही था 125 को था डिस्काउंट देता मैंने एबे से कहते बिकुच 100 रे, तमें आगुरु किणी 80 रे एबे किंच 100 रे, तमें केते लाभ कौच 25% क्लियर। एबे पिला माने भूल भाल भी कर दिंतु 80 अछि 100 20 बढ़ी तमें आंसर 20% होबना, आंसर 20% होबना, आंसर 25% डन। एटा होछि अपन मानक सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन 5450 टका अछि 12.5% रे से ही जाउछि 8175 ताहले मते कुह केते टाइम लगे, तो लगाओ टाइम प्रिंसिपल केते 5450 ओके दीटा मेथड अच्छी ओके जेहेतु टाइम तुम जानो बेसिक रे करो आर केते 12.5% अरे भाई 12.5% माने केते 1/8 नुहे कि 1/8 टाइम मु जानिनी। और सर अमाउंट के 8175 बट मोर एटा इंटरेस्ट लिखा हो ता माने इंटरेस्ट केमते बाहर माइनस करो से 5 2 11 नु गले 7 6 75 गले 2 क्लियर कटिबो एटा टाइम अच्छे टी कैंसल आउट करो। अच्छा एटा देखिलो आ संगे डायरेक्ट ट्वाइस रे कटि जाउछ 2 को 8 रे काटले 4 ता माने टाइम रो वैल्यू केते 4 इयर्स। अरे बेसिक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी बाय 100 है तो जानिछो ए सम ऑफ रुपीस 10200 इज डिवाइडेड पार्शियली एट 8% पर एनम एंड 6% पर एनम इन टू डिफरेंट बैंक्स। दीटा बैंक रे रखाइ छि, गोटे रखाइ छि 8% रेट रे, आ गोटे लगाइ छि 6% रेट रे, दीटा अलग-अलग बैंक रे अछि डन। से कहि छि 3 वर्ष पई लगा हला केते टंका लगा हला 10200 टंका, दीटा बैंक रे लगा हला हला। जो तमे अमाउंट को इन्वेस्ट करछ 3 वर्ष पर केते टंका सेतरो इंटरेस्ट पाइलो 2124 8% और 6% मिसे गिर। मते क्वेश्चन पछे छि 6% जोडा लगे छि केते टंका लगे छि। अच्छा एमिति कर 10800 को पूरा पूरी 8% रे 3 वर्ष लगे दियो, ता माने कोन पी मु एटा लेखु छि ताकि तुमको बुझेय पई हला, मोर किछ इंटेंशंस नै को पूरा लिखिया रे 10200 पी आर केते 8 टाइम केते 3/100 ता माने 0 रे 0 कट जइबो 8 × 3 = 24 24 × 2 = 48 24 × 1 = 24 ता माने 3 वर्ष पर मोर जदि सबु जंग पैसा 10800 को मु 8% लगे थांती 2448 आस्तांत, जदि मु 10200 को पूरा पूरी 6% लगे थांती केते आस्तांत से सिंपल एडी खाली 6 होइ जइबो 6 × 3 = 18 18 × 2 = 36 18 × 1 = 18 मोर 2428 आसछि कि नहीं सर, मोर 1836 आसछि कि नहीं सर, मोर केते आसछि 2124 काहे कि ना मु पार्ट रे लगे छि, ता माने सर एटा कोन एलिगेशन
8 रू 4 माइनस हला 4, 4 रू 2 माइनस हला 2, 4 रू 4 रू 2 गले 2, 4 रू 1 गले 3, एपटे माइनस कले 4 रू 6 माइनस हले 8, 1 रू 3 माइनस हले 8 एंड एपटे रहगला 20 रू 18 माइनस हले 2, कैंसिल आउट कर 4 रे कट जीवो 7, 2 4 रे कट जीवो 8 1, 9 ने कटला 9, 9 ने कटले 8, से पचारि छि कि 6%, 6% माने आंसर जहा हबो सेमिति आंसर टे हबो जोटा 9 रे कटिबो, तो 9 ने अभीतर कटिबो कि ये तो कटिबोनी, ये कटिबोनी, ये कटिबोनी, तो ये हबो। एबे तुम जदि चाहिबो कैलकुलेट करि परिबो 8 आउ 9 केते 17, यूनिट इक्वल्स टू केते दिजे 10200, तो गोटे यूनिट 600 केते पचारि छि 9 यूनिट, तो 9 यूनिट केते हबो 9 × 6 = 5400। एत टाइम कहीं वेस्ट कर जाच आंसर जहाँ हम 9 मल्टीपल ही हम, तो 9 मल्टीपल किए हम चार्टा भितर देखी दियो 5400 ही हम। नहीं जाओ स्क्रीनशॉट नहीं जाओ, जीवा नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा देख, यहाँ इजी ही था जदि इयरली दे था, किंतु इयरली देनी 8 मंथली दे, तो ठीक अच्छे मंथली करिए। अच्छा भाई मत कह प्रिंसिपल के ना सर, प्रिंसिपल दे 31250। ओके रेट के सर, रेट दे 12%। आ भाई टाइम के ना सर, टाइम दे 2 ईयर। किंतु सर समस्त बेसी मत हैरान कर देला 8 मंथली। 8 मंथली मानने कौन, प्रत्येक 8 मसटा वर्षे भाया बिहेव हम के जी एम क्वेश्चन दब मु कौन कही ना सर, रेट जहाँ लिखिदि 8 मंथली दे 8/12 कर, 6 मंथली दे 6/12 कर, क्वार्टरली दे 3/12 कर, सर 5 मंथली दे 5/12 कर, जहाँ देखिए /12 कर, क्या मंथली पा प्रत्येक मस 8 मंथली तमें 8/12, तो 12 कटिगला मोर एटा केते परसेंट होगा 8%, मोर आगे मतलब नहीं सर। रेट्रे जहाँ गुणिल टाइम रे ठीक तार उल्टा गुण, ताल तो से मैनेज हम ना, ना इक्विट केमती हम ताने सर 2 ईयर मान 24 मंथ इंटू 12/8 36 मंथ, इट मीनस 3 ईयर। ताने मोर एवं टाइम कहले मुझ बुझी 3 ईयर, रेट कहले मुझ बुझी 8%। सरला एवं पाठ स्टार्ट कर, तो भाई 8% मान के, 8% मान 8/100 कैनसल आउट कले 4 रे काटले 2/25। भाई रेट लगी 25टा के 27, अरे हाँ कि ना 25टा के 27 हो गला। अच्छा अबे मते गोटे कथा कह, 25 रो कौन आम बाहर करिया सर, एटा टाइम अच्छे 3 ईयर, 3 ईयर मैंने 25 रो क्यूब, आ भाई 25 रो क्यूब आ 27 रो क्यूब बाहर कर दिए हेलो, तो 25 रो क्यूब केते हबो सर 15625, किछि बुझी पारुछ, अरे देखिकी बुझाक चेस्टा कर 15625, 15625 मान कौन मोटामोटी तुम जब देख आ पाखापाखि पहुँचु दिगुण में एबे 27 ना क्यूब बाहर कर दियो, 27 ना क्यूब जहाँ भी हम ताको 15625 रे माइनस कर दबो। ओके तो 27 ना क्यूब केते हबो सर 19683, तो माइनस कले केते हबो 8। ओके 7 रु 2 माइनस कले 5, तापरे 6 रु 6 माइनस हले 0, 19 रु 4 माइनस हले 4058। अच्छा तुम्हें मैंने भल भाव जाच कि 15625 तुम प्रिंसिपल नुहे, तुम प्रिंसिपल हूँ कैसे 31250, ताने आर 2 टाइम्स, जी आर 2 टाइम्स हम तो आर भी 2 टाइम्स हम 8 × 2 = 16, तुमने भी खोज यूनिट प्लेस 6 कौटी अच्छे सब 2 × 8 = 16, 5 × 10 = 11, 4 × 2 = 8, तुमने आंसर हम कैसे 8116। डन, क्लीयर है 31। कंपाउंड इंटरेस्ट गोटे जिनस कहे प्रत्येक वर्ष तार इंटरेस्टा कौन रहा दरकार कांस्टेंट। अच्छा सी कही कि गोटे प्रिंसिपल अच्छी कि वर्ष पर मानने 3 वर्ष पर सी के 8028, आ 6 वर्ष पर मान एठ 6 वर्ष, तमें एठू के वर्ष 3 वर्ष पर के 12042।
ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଇୟରଲି ତାହେଲେ ସମ୍ କେତେ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଟା କେତେ ଜାଣିଛ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କି ବର୍ଷେ ପରେ 200 ହେଇଗଲା ତାପରେ କେତେ ହବ କହିଲ 400 ତାପରେ କେତେ ହବ କହିଲ 800 ତାପରେ କେତେ ହବ କହିଲ 1600 କାହିଁକି କହିଲ ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯିବ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଟା କେତେ ହେଇଯିବ 200 ତା ପର ବର୍ଷ କେତେ ହବ କହିଲେ 300 ତା ପର ବର୍ଷ କେତେ ହବ କହିଲେ 400 କାହିଁକି କହିଲେ ମୋର ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେମ୍ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 100 ବଢ଼ିବ ସିଆଇରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 100 ବଢ଼ିବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଗୁଣା ହବ ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ଗୁଣା ହେଇଛି ତା ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ଯଦି ବାହାର କରିଦେଲି ମୁଁ ଏଠି କେତିକି ଗୁଣିଛି ତାହେଲେ ସେମ୍ ଗୁଣାଟା ମୁଁ ଏଇଠି କରିଛି ତ ପିରେ ଏତିକି ଗୁଣିଲେ ଯଦି 8 0 8 ତାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଦେବି ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ 8000 କେତେ ଗୁଣିଲେ 12000 ସାର୍ ସିମ୍ପଲ୍ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲି 8000 କେତେ ଗୁଣିଲେ 12000 ସାର୍ 8000 1 ଗୁଣିଲେ 8000 ଆଉ 4000 ଦରକାର ତାମାନେ ଅଧା ତାମାନେ 8000 ଦେଢ ଗୁଣିଲେ 12000 ସାର୍ 28 କେତେ ଗୁଣିଲେ 42 ତମେ ଦେଖିଲେ 28 ଦେଢ ଗୁଣିଲେ 28 1 ଗୁଣିଲେ 28 ଦେଢ ଗୁଣିଲେ 14 28 ମିଶିଲେ 42 ତା ମାନେ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଗୁଣିଛି ଦେଢ କର କିମ୍ବା ଆମେ ଫ୍ରାକ୍ସନରେ ଯଦି ଯିବା ଇଣ୍ଟୁ 3/2 କର ଯଦି ଏଠି 3/2 ଇଣ୍ଟୁ କରିଛ ତାହେଲେ ଏଠି ବି ତ 3/2 କର ସମଥିଙ୍ଗରେ 3/2 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି 8028 ତାହେଲେ ସେ ପିର ଭାଲ୍ୟୁଟା କେତେ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କର ନା 3 2 6 7 8 3 6 18 20 2 3 7 21 3 6 18 ଆକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ 2 6 12 7 2 14 1 15 6 2 12 1 13 2 2 4 1 5 ତ 5 3 5 2 ମୁଁ କିଛି କରିନି ଏଥିରେ ସିମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଛି 3/2 ଯାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ଆସୁଛି 8028 ତ ପିର ଭାଲ୍ୟୁ କେମିତି ଆସିବ ତୁମେ ଏମିତି ବି ବାହାର କରିପାରିବ 8028 ଇଣ୍ଟୁ 2/3 ତୁମର ଆନ୍ସର୍ ବି ଏଇଆ ହିଁ ଆସିବ କ୍ଲିଅର ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ କ୍ଲିଅର ପିୟୁଷ ଗୋଟେ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରୁଛି 8 ଦିନରେ ଆଉ ଅରୁଣ ସେ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରୁଛି 14 ଦିନରେ ସାର୍ ପିୟୁଷ ସେ କାମକୁ ସାରୁଛି 8 ଦିନରେ ଅରୁଣ ସେ କାମକୁ ସାରୁଛି 14 ଦିନରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଏଲ୍ସିଏମ୍ କେତେ ହେବ 56 ଇଏ 7 ଇଏ 4 ଏ ଯଦି 7ଟା କାମ କରୁଛି ପଇସା ବି 7ଟାରେ ନେବ ବି ଯଦି ସରି ପିୟୁଷ ଯଦି 7ଟା କାମ କରୁଛି 7ଟା କାମର ପଇସା ନେବ ଅରୁଣ ଯଦି 4ଟା କାମ କରୁଛି 4ଟା କାମର ପଇସା ନେବ ତା ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କେତେଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି 11ଟା କାମ କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି କେତେ କାମ ହେଇଛି 4,44,000 ତା ମାନେ 11 ୟୁନିଟ୍ ଯଦି 44,000 ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କେତେ 4,000 କାହାର ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେୟାର ଅଫ୍ ପିୟୁଷ ତ ସେୟାର ଅଫ୍ ପିୟୁଷ କେତେ ହେବ 7 ୟୁନିଟ୍ ତ 7 × 4 କେତେ 28,000 କ୍ଲିଅର ବୁଝିପାରିଲ ଆରେ ଭାଇ ତୁମକୁ ପଇସା କେମିତି ମିଳିବ ଯେତିକି କାମ କରିବ ଏବେ ଯଦି ତୁମେ କାମ ହିଁ କମ୍ କରିବ ପଇସା କମ୍ ମିଳିବ ପିୟୁଷ 7ଟା ଚେୟାର ବନାଉଛି ତ ସେ 7ଟା ହିସାବରେ ପଇସା ନେବ ଅରୁଣ 4ଟା ଚେୟାର ବନାଉଛି ତ 4ଟା ହିସାବରେ ପଇସା ନେବ ଏଥିରେ କଲମ ଦେଲା ନା ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ତା ପୁରା ଜର୍ନିର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସର 40% ଯାଉଛି 8 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରରେ ତା ମାନେ ଧନୀନିୟ ତା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ 100 ପଚାରିଛି ଆଭରେଜ ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ତା ପୁରା ଯେଉଁ 100 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ 40 କିଲୋମିଟରକୁ ଗଲା କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ 8 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରରେ ମୁଁ ବୁଝାଉଛି ବୋଲି କରୁଛି ହେଲା କ୍ଲିଅର ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 40% ଅଫ୍ ଦି ରିମେନିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭାଇ 40 ଯାଇଛି ଆଉ କେତେ ଅଛି 60 60ର 40% କେତେ 24 ତା ମାନେ ସାର୍ ଧନ୍ୟ ଏ 24 କିଲୋମିଟର ସେ ଗଲା କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ରେ 9 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାରରେ ତା ମାନେ ସାର୍ ଆଉ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି 36 ଆରେ 60ରୁ 40% ସେ ଯାଇଛି ତ 60ର 40% କେତେ 24 24 କିଲୋମିଟର ସେ 9 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର ଯାଉଛି ତ ରିମେନିଂକୁ କେତେ ଯାଇଛି 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଭାଇ ଆଭରେଜ୍ ସ୍ପିଡ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସାର୍ ଯାଇଛି 40 କିଲୋମିଟର 8 ସ୍ପିଡ୍ରେ ତା ମାନେ ସାର୍ 40/8 ତାପରେ ସାର୍ 24ରେ 9 ତାପରେ ସାର୍ 36ରେ 12 ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କର 8ରେ କାଟିଲେ 5 ଏଥିରେ କାଟିଲେ 3
सर गोटे काम करदेना सिंपल जिनस बेस्ट हम ये पाँच अच्छे ये तीन अच्छी तमें एट अच्छी चबीश बै नौ सर ये भी नौ पकई दिखाँ मत इजी हे भाई जदि ये नौ पकेबी तेल एटी भी तो नौ मल्टीप्लाय करी हाँ कि ना तमें मोर ए जो भैल्यू आस 100 8972+24 डिवाइडेड बै 9 तो मु नौ एटी कहीं लिखी तो ताटू भल मु नौ को ऊपर को ही नहींजी तमें मोर जो भैल्यू आसला से कत 900 डिवाइडेड बाय 72+24 426 7+2 9 कैंसल आउट कर कौथे कैंसल आउट हम 8 रे हिजबो 8 रे हम 4 रे हिजबो 4 2 8 4 4 16 4 रे काटले 25 आ कौथे हम 3 रे हम 3 रे कैंसल आउट करले 3 3 रे कैंसल आउट करले 8 त माने मोर आंसर हम 75/8 त माने 8 हम एक्चुअली मत ये इजी होता मुझे दुटा को न मल्टीप्लाई करता मत इजी होता कमी देख लो 100 × 9 दुटा को मिसाइल के 96 मुझे आराम से काटे 3 रे 2 3 रे 4 4 रे काटे 3 2 6 3 3 9 हम 4 रे काटे 8 4 रे काटे 25 ये मत इजी होता ये लंबा होगा है ये इजी होता तो मोर आंसर के 75/8 75/8 मानने कौन 9 3/8 भल क्वेश्चन क्लियर जीबा एक्चुअली से ये जान ना कौन प्रॉब्लम कर 60% नहीं रिमेनिंग सॉरी जो 60 किलोमीटर र 40% रही रिमेनिंग टा नहीं है यहाँ भी एलिगेशन अरे भाई गोटे क्लास रे 50 पिला अच्छा 40% से गर्ल्स अच्छा आवरेज वेट ऑफ बॉयज दे दीची केते आवरेज वेट ऑफ बॉयज केते दे दीची ना सर 62 गर्ल्स केते दे दीची 58 क्वेश्चन कौन पचार ना सर जदि से 40% गर्ल्स अच्छा तामने 60% बॉयज अच्छा अरे भाई 40 और 60 रेशियोटा के काट दौन 3:2 नुह कि सी तुमको पचार व्हाट इज द आवरेज वेट ऑफ द होल क्लास होल क्लास वेट के तमें ये रोह तमें आंसर जहाँ भी हम ये दुजन भितर रोह तमें 58 रु छोट हेनी कि 62 रु बड़ हेनी तमें तीन टा जगह या भितर अच्छे गोटे गोटे कर चेक करदे आंसर किसी भी हम अच्छा जब मत कह तो 3 2 मिसले 5 आंकर डिफरेन्स के 4 तो गोटे यूनिट 0.8 आंक भितर छोट किए 58 अपोजिट्रे किए 3 अच्छी तामने आंसर जहाँ हम गोटे यूनिट जब एति अच्छे तो 3 यूनिट के 8 3 24 2.4 तुम 58 रे 2.4 मिस जो आंसर हम 60.4 हला तुम्हें इधर सेमती कर नचे तुम ऑप्शन गोटे गोटे उठे पकाओ यहाँ पूरा क्लास रे मुझे बुझेजी तो मुझे रिपीटेडली सेम जिन बुझे किसी लाभ ना है तो आइदर तुम सेमती कर नचे बेस्ट ऑप्शन मुझे जोटा कैर मुझे तुमको कहीदे जो मैंने बिगनर मानों पर ये के 3/5 सर 5 कहीं टोटाल अच्छे 5 5 रु 3 जदि 62 है 2/5 जदि 58 है टोटाल के आपको भी सल्व करदे तुम आंसर 60.4 ही आसो तुम आंसर के 60.4 जीवा लास्ट क्वेश्चन को एटा लास्ट टाइम सीजीएल आसला मैंने जो मे 14 जो सीजीएल होता है ओडिशा सीजीएल से आसला भल क्वेश्चन ना क्वेश्चन दे गोटे 100 मीटर डिस्टेंस को ए कवर करुची बी कवर करुची सी कवर करुची जो टाइम नौ 36 सेकेंड 45 सेकेंड आउ गोटे 48 सेकेंड भाई ये टाइम रो रेशियो तो टी सिंप्लीफाई कर दि 12 15 के 16 ताने आ रेशियोटा के 15 × 16 आ रेशियो के 12 × 16 आ रेशियो के 12 × 15 डन एबे सिंपल जिनस कौन कर काट 4 रे काटले 4 4 रे काटले 4 4 रे काटले 3 3 रे काटले 5 3 रे काटले 4 3 रे काटले 5 ताने आमर जो स्पीड रेशियोटा आसो के 20 16 15 ताने जदि बी 16 km/h जाऊँ सपोज कर तेल सी के 15 km/h कहीं हूँ स्पीड अच्छा तुम्हें जान स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम बट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ना अरे हाँ कि ना सी कही जी 1600 मीटर रेस है तेल बी सी को बीट के अच्छा भाई बी जाऊँ 45 सेकेंड तमें बी आग पहुँचुची तापर सी पहुँचुची बी जदि 1600 मीटर जीव बी के 16 16 जदि 1600 है सी के बाट जा
1500 ता माने बीसी को केतरे बीट करिवो 100 मीटर ये गोटे बाट आ गोटे भी मेथड अछि दीटा मेथड सॉल्व कर परबी ये होची गोटे मेथड आ गोटे मेथड होची जोटा मु पर्सनली प्रेफर करे बी केते समय रे पहुचुची 45 सेकंड रे सी केते समय रे पहुचुची 48 सेकंड रे अच्छा मते गोटे कथा को तमको पचार छी कोन डिस्टेंस डिस्टेंस माने कोन स्पीड इनटू टाइम मत कहल बी आउ सी डिफरेंस टाइम रो केते अच्छे ना सर आंकर जो टाइम रो रेशियो अच्छे 3 सेकंड अच्छे केमती जान लो सर माइनस कर दो ना अरे हाँ कि ना टाइम मुझे जानीगली मत स्पीड दरकार भाई स्पीड केमती मिलो डिस्टेंस भाई टाइम ता माने मत जी स्पीड दरकार सी रमी जानवी अच्छा सर मत गोटे कथ कहूँ सी रीड के जानवे स्पीड जो डिस्टेंस बै टाइम स्पीड डिस्टेंस के 1600 मीटर जीवटी सर 1600 मीटर जी के टाइम दरकार सी को 48 सेकंड एटा होची सी रो स्पीड 1600 मीटर जीवो 48 सेकंड स्पीड जदि गला सी रो स्पीड जानिचो तमको डिस्टेंस दरकार तो एठी तमे पके दे परिवो 1600 बाय 48 टाइम केते सर 3 रे 48 को काट दला 16 रे 1600 कटि गला त आंसर केते सला 100 एमटी भी करि परिवो बट मु पर्सनली एटा प्रेफर कर तमे जदि एटा तमको ठीक लागछ तमे कर किछ इशू नै ओके विथ दिस योर टुडे सेशन इज ओवर टेक केयर ऑल द बेस्ट जय जगन्नाथ